म्यूट रखो। हाँ जी वीर जी। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सारे वर्ड तो जो कोई भी सज्जन साडे नाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे परिवार तो जुड़ते हैं, सारे का थैंक्स। और ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and we can have the questions and we can have the share. So जुझार सिंह जी। I think अमन जी entry ते mute कर दो सब नू so that nobody जुझार कितना होया है। अनम्यूट हो रहे ताई विच डिस्ट्रैक्शन आ रही है। प्लीज चेक करो सेटिंग और डोंट लेट एनीबॉडी म्यूट देमसेल्फ। आप आई रीचेक सेटिंग जी प्लीज। सर ये टू गो। हां जी जी प्लीज क्या मामू कितने। हां जी जुझार जी, पहला तुसी ब्रीफली प्लीज शेयर करो कि लास्ट टाइम असी की क्वेश्चन दिती सी बीबीक्यू बारे, वो सारा तुसी सिंपल वर्ड्स अंदर थोड़ा जा ब्रीफ कर दो। हाँ जी, लास्ट टाइम असी जेड़ा बीबीक्यू बारे समझा सी, ओदे विच बीजी ने एक क्वेश्चन लिया सी कंटेंटमेंट क्वेश्चन सीक्यू प्लस इमोशनल क्वेश्चन। उन्हां नू दोनां नू जोड़ के साडे कोल आया सी बीबीक्यू विच इज विवेक बुद्ध क्वेश्चन। सो बड़ी खूबसूरती नाल वीर जी ने इनू इलैबोरेट कीता सीगा कि साडे अंदर कंटेंटमेंट भी जरूरी है और उहदे नाल जिहड़ी इमोशनल क्वेश्चन हैगा वो भी साडा जदों दोनों कनैक्ट हो जांदे ने और जदों सानू डिवाइन विजडम मिलदा है तां साडी एक विवेक बुद्ध दी क्वेश्चन बाहर आंदा है जिहदे नाल साडे जीवन विच एक कंपैशन आंदा हैगा, दूजे दा दर्द समझण दा सानू भाव समझ आंदा कि असीं किवें अपने जीवन नू इस थ्योरी के उत्ते तोड़ना है जिहड़ा लास्ट टाइम एक नवी थ्योरी वीर जी ने सानू बीबीक्यू दी दित्ती सी। सीक्यू प्लस ईक्यू इज इक्वल टू बीबीक्यू, कंटेंटमेंट क्वेश्चन प्लस इमोशनल क्वेश्चन इज इक्वल टू विवेक बुद्ध क्वेश्चन। तो उहदे नाल वीर जी ने घाल खाए के छत्तों दे वाला शब्द भी सानू समझाया सीगा और बड़ी सारी चीज़ां क्लीयर कीतियां सन कि सिंपैथी बंदा तद करता। सिंपैथी इज अ लार्जर टर्म, असीं एम्पैथी नू लार्जर टर्म समझदे सीगे, बट एम्पैथी हुंदा है जो असीं दूजे दे शू दे विच पैर पा के उहदे दर्द नू समझण दी कोशिश करते हैं और उसनू हंडांदे हैं तां सानू दर्द समझ आंदा है। बट सिंपैथी उस तो उपर है कि दूजे दा दर्द फील करन, कदी असीं उसनू एक्सपीरियंस भी नहीं कीता बट असीं उसनू फिर भी समझण दी कोशिश करते हैं कि यह वाला दर्द इनू है तो मैं इहदा की सोल्यूशन कड्डां। सो वी अंडरस्टूड दिस डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सो अज जिहड़ा असीं समझांगे वो कंपैशन वीर जी कोलों समझांगे कि कंपैशन की हैगा और उहनूं किवें सिंपैथी नाल रिलेट करके असीं अपने जीवन दे उत्ते अप्लाई कर सकदे हां। सो वीर जी अज सानूं इस नवा एंगल इस टाइप तो इस एंगल तो भी समझाओ कि बीबीक्यू दे नाल रिलेट करके असीं अपने अंदर वो कंपैशन दी भावना किस तरह लिया सकदे हां। अच्छा जी, हाँ जी, जदों लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन आया सी इस क्वेश्चन के बारे तुसी डिफरेंस क्वेश्चन ही पूछा गया सी, द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड कंपैशन। उस वेले न्यूयॉर्क तो साहिब सिंह ने जोगी नू एक स्टेटमेंट दिती सी, जोगी को एक वर्ड एक स्टेटमेंट और लै लगो फिर असी अगे बढ़ना। व्हाट स्टेटमेंट जोगी, कैन यू प्लीज शेयर? यस हो गई जोगी जी। हाँ जी जोगी जी, थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी। अमन कैन यू हियर हिम? नो जोगी जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी, तुसी अनम्यूटेड है बट थोड़ी आवाज नहीं आ रही। think there is some network issue. This is to see statement that okay हाँ जी जिस तरह मनु जोगी ने साहिब दी स्टेटमेंट दसी वो मनु ऐ समझाई हैव पैशन टू बी कंपैशनेट हैव पैशन टू बी कंपैशनेट सो असी जे ए वाली स्टेटमेंट नु समझना है तां असी आज दे जिहड़ा टॉपिक तुसी ना रखिया है सिंपैथी एंड कंपैशन हां जी राइट सो असी पहला दोनों जिहड़ा लफ्ज लास्ट टाइम क्वेश्चन आया सी दोनों लफ्ज अलग-अलग कर लिए। अब अगर आप मेरे को बोलते हैं कि हिंदी में बोलो ताकि जैसे अमन जी और कितने कॉर्पोरेट सेक्टर वाले और एकेडमीज वाले और इंस्टीट्यूट वालों को भी इनवाइट करते हैं तो मैं ट्राई करता हूं कि हम हिंदी में ज्यादा बोलें। सो पैशन मीन्स के अंदरों कोई भी काम करने का जुनून है। पैशन सिंपल टर्म कोई भी काम करने का जुनून, किसी को खेलने का जुनून है, किसी को कुकिंग का जुनून है, किसी को फैशन का जुनून है, किसी को ओलंपिक खेलने का जुनून है, किसी को खाने का जुनून है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोगों का अपना अपना पैशन है। कोई डॉक्टर बनने के जुनून में रहता है, कोई इंजीनियर बनने के, कोई मिनिस्टर बनने के जुनून में है। ये अपना हर किसी का अपना अपना पैशन है जुझार जी। तो हर किसी का अपना अपना पैशन है जी। पर क्या हमारे अंदर ये पैशन है कि मेरे अंदर दया भावना आ जाए? दया डज नॉट मीन पीटी, दया डज नॉट मीन कि अपने आप को ग्रेट समझना और दूसरे को लेट डाउन करके उसको घटिया समझाना। दया इज कंपैशन राइट। सो माँ को हम कोट करते हैं कि माँ के अंदर कंपैशन होता है राइट। कंपैशन में शो ऑफ नहीं होता, कंपैशन में रिवार्ड की और वाह-वाह की कोई भूख नहीं होती exactly. अगर आप कंपैशनेट होके कोई सिंसियरली काम कर रहे हैं, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे तो इसकी परवाह भी नहीं होती, क्योंकि आप पूरे दर्द से प्यार से वो काम कर रहे हैं, आपको उसका पैशन है ना जी। तो कंपैशन को हम पॉजिटिव सेंस में ही रखेंगे। अगर कोई दया का नाम नेगेटिव सेंस में समझता है तो आई एम सॉरी। हम समझ रहे हैं कि रियल सेंस में कंपैशनेट हो जाएं, लाइक मदर को बच्चे को पालने के लिए पैशन तो होता है पर उसका अपना स्वभाव जो है वह कंपैशनेट है ना। हम बोलते हैं गॉड दयालु है, तो वो जो भाव है, वो जो इमोशन है, वो जो क्वालिटी है, वो जो आइडियल है, वो क्या है? काइंड हार्ट। जब हम काइंड हार्ट होते हैं तब हम दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, पर काइंड हार्ट होते हैं फर्स्ट में। तो आज हम यहां से चलेंगे कि अगर मैं कंटेंटेड हूं तो मैं रियल सेंस में कंपैशनेट होऊंगा। तो आज नहीं बना लेते हैं इक्वेशन जुझार जी। हाँ जी कंटेंटमेंट CQ जी ठीक है। हाँ जी कंपैशनेट अनदर CQ ओके। पहला सी कंटेंटमेंट, पहला सी इज संतोख जुझार जी। मेरी साइड वॉल्यूम लो था, आई एम सॉरी। सो पहला सी इज कंटेंटमेंट, दूसरा सी कंपैशनेट, राइट। तो सी क्यू पहला, अमन जी पहला है कंटेंटमेंट, संतोष, राइट। दूसरा सी है कंपैशन, ठीक है। तो CQ प्लस CQ इज इक्वल टू रियल सिंपैथी, ठीक है। फिर हम हिपोक्रेसी वाली सिंपैथी नहीं करेंगे। और मेरे को बार बार से तुम्हारे साथ सिंपैथी तो है पर मैं इसके बारे में करता कुछ नहीं हूं, ये नहीं। किसी के साथ डेथ हो गई है, मैं सिर्फ बार बार से हमदर्दी जतलाने चला गया हूं, ये वाली नहीं, है ना। मैं बातें तो करता हूँ, लोगों का भला होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, समाज को ये करना चाहिए, लोगों को ये करना चाहिए, पापा मम्मी को ये करना चाहिए, मेरे पति को ये करना चाहिए, मेरी वाइफ को ये करना चाहिए। ये सारी बातें हम दूसरों के ऊपर चाहिए चाहिए वाला शूट्स लगाते हैं ना, वो नहीं करें हम। रियल सेंस में सिंपैथी करेंगे। तो अमन जी ईच इंडिविजुअल से मिल के एक एक बूंद से जैसे सागर बनता है ना, नदी बनती है फिर सागर बनता है, ऐसे इंडिविजुअल इंसान से मिल मिल के हमारा समाज बनता है। तो पहली शर्त ये रहेगी, मैं कंटेंटेड होना चाहिए, मेरे पास संतोष होना चाहिए जी। और मेरे पास कंपैशनेट वाला दिल, काइंड हार्ट, दया वाला दिल होना चाहिए। तो रियल सेंस में मैं हमदर्दी करूंगा, सिंपैथी करूंगा, रियल सेंस में मैं करुणा करूंगा, रियल सेंस में मैं दुनिया का भला चाहूंगा, राइट, ठीक है। सो CQ आप बोलो क्या है? कंटेंटमेंट। दूसरा CQ क्या है? कंपैशनेट। वेरी गुड, कंपैशन, ठीक है। तीसरा इज इक्वल टू एस, एस क्यू स्टैंड्स फॉर सिंपैथी, करेक्ट। तो इन्होंने आज यही नाम रखा है ना जी। तो हमारे सबके अंदर ना ये जुनून होना चाहिए कि मैंने काइंड हार्ट बनना है, राइट। हम बोलते हैं गॉड दयालु है, गॉड काइंड है, है ना। तो गॉड जैसी क्वालिटी मींस काइंड हार्ट मुझे होना चाहिए। एक मैंने स्टेटमेंट न्यूयॉर्क टीवी पे सुनी थी, खुदा मेहरबान है लिहाजा मेहरबानी करना सीखिए, राइट। तो जब हम दूसरों के ऊपर मेहरबानी नहीं होंगे, हमारे अंदर अपने अंदर पहले इसका मतलब काइंड हार्ट वाला हमारे पास दिल होना चाहिए ना, ठीक है। तो आज हम CQ प्लस CQ इक्वल टू SQ विचार रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट जो साहिब सिंह ने लास्ट टाइम एक सेंटेंस में दी और जोगी ने हमको टेक्स्ट डाला पर प्रोग्राम खत्म हो गया था, सो वो ये थी, हैव पैशन। ये जुनून होना चाहिए कि मैं कंपैशनेट हो जाऊं, मैं दयालु हो जाऊं, दयालु वाला, कृपा वाला, दयावान दृष्टि वाला, दयावान थॉट प्रोसेस की पर्सनैलिटी का मैं कैरेक्टर बन जाऊं। ये पैशन होना चाहिए। Then be it doctor, be it engineer, be it वकील, be it pilot, be it anybody else. अगर आपके अंदर ये पैशन आ गया ना कि मैं दयावान बनना चाहता हूं, तो आप रियल सेंस में ना सिंपैथी करेंगे, तो आपके अंदर टेंडरनेस आ जाएगी, रूडनेस खत्म हो जाएगी, टॉन्ट खत्म हो जाएंगे, डिमांड्स खत्म हो जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। जितनी आपके अंदर टेंडरनेस आती जाएगी ना, आप उतने कोमल चित्त होते जाएंगे, कंपैशनेट हो जाएंगे ना। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जुनून है। जुनून क्या है? सिंपैथी। जुनून कंपैशनेट होने का है ना, पैशन है ना, राइट। सो आज हम ना ये सीखेंगे कि अगर मेरा संतोख और दया को जोड़ दिया जाए तो रियल सेंस में मैं हमदर्द अपना भी और इस सारी दुनिया का, रियल सेंस में सिंपैथी वाला सिंपैथाइजर बनूंगा, राइट हितु सुभाव बनूंगा, हार्मनी करूंगा, डिस्ट्रक्शन नहीं करूंगा। डिस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? हेट्रेड करते हैं। हेट्रेड नहीं करूंगा। डिस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? तेरा मेरा ब्लड रिलेशन वाला अपना पराया करते हैं। नाको बैरी नहीं बिगाना सीखेंगे हम अपना पराया के बाद, है ना। हार्मनी करना चाहते हैं तो हम अपनी जफ्फी चौड़ी करेंगे, इतनी बड़ी करेंगे कि सारी दुनिया मेरी आगोश में आ सके। सिंपैथाइजर जो, करेक्ट। खुदा दयालु है, भगवान दयालु है बोलते हैं, तो हम क्यों नहीं दयालु? वो निर्वैर है तो हम क्यों नहीं निर्वैर? अच्छा, वो किसी के साथ वितकरा नहीं करता, वो इक्वालिटी रखता, तो हम क्यों नहीं इक्वालिटी रखते? क्योंकि हम कंटेंटेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास संतोष नहीं है। जब हमारे पास संतोष नहीं होगा ना, तो हम तृष्णा की आग में जलते हैं। आज मैंने एक श्लोक पढ़ा, दया करणं दुख हरणं। तृष्णा की आग में जलना दुख है। मेरे एक एक ऑर्गन को आग लगी हुई है। मैं जाने या दुख, मुझको दुख सबाया जग, ऊंचा चढ़ के देखा था कारकर यह आग। मेरे हर ऑर्गन में आग लगी हुई है, मेरे हर थॉट प्रोसेस में आग लगी हुई है, मेरे रोम रोम में आग लगी हुई है। मेरे को पहले अपने ऊपर दया करनी पड़ेगी। मेरे को अपना, मेरा अंदर से कहां कहां आग लगी हुई है उसको फिक्सअप करना पड़ेगा ना। उसको तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा की आग से अगर मैं छूट जाऊं तो मैं संतोखी हो जाऊंगा। संतोख को कंटेंटमेंट बोलते हैं, CQ। दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन। उचरण नाम कीर्तना का मतलब होता है मैं पल पल गॉड लाइक क्वालिटीज से जीऊं। उसको कीर्ति करना, कीर्तन करना, प्रेज करना, एप्रिशिएट करना, हर किसी को एप्रिशिएट करना। एप्रिशिएशन देनी, पर किसी को डेप्रिशिएट ना करना, किसी को डीवैल्यू ना करना, किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन ना करना, किसी के पर्दे फाश ना करना, किसी के घर के पोथे दुनिया के सामने ना खोलना। अमन जी अराबनोसी कहते हैं ना, प्रेम पटोला तैशा दिता टक्कण को पत मेरी। करेक्ट। साडी पत रख लेना, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया वो पापी पर्दा। अगर हम गॉड और सतगुरु की बात करते हैं, अगर वो किसी के पर्दे नहीं खोलते हैं, किसी को दुनिया के सामने बेइज्जत नहीं करते हैं, तो हम भी फिर गॉड वाली ये क्वालिटी, ये वाला कीर्तन करें। ये नहीं करते हैं क्योंकि पहले मैं अंदर जलता हूं। मेरी अपनी तृष्णा, मेरी वाह करो, मेरी प्रेज करो, मेरा ही रोब सब जगह चलेगा, मेरे से ही पूछ के सारी दुनिया चला करेगी। मेरी मर्जी के मुताबिक कीड़ी भी, अगर कीड़ी भी मेरी मर्जी के मुताबिक ना चल रही तो मैं अपसेट हो जाता हूँ। सारे घर में मेरा रॉब चलना चाहिए, सारी सड़क पे भी, जहाँ कारें पार्क हुई हैं वहां भी कोई कार ठीक ना पार्क करे, मैं अपसेट हो जाता हूँ, मैं वहां गालियां निकालना शुरू कर देता हूँ। कौन है पागल है जो यहाँ पार्किंग कर गया, किसने लाइसेंस दिया था, ये इतनी गलत कार चला के गया। सब जगह मैं तृष्णा की आग में जलता हूँ, अपने अहंकार जगत जलिया ना, मेरा अहंकार है। ठीक है मन जी? अगर तृष्णा होगी तो संतोख नहीं होगा, पर तृष्णा से जलता हूं मैं, इसलिए संतोख मेरे पास आता ही नहीं है। अगर मैं तृष्णा से दुखी हूं, if I can recognize this upset, ये वाली जलन, तो it's जलन, how we will define what exactly कि मैं नु तृष्णा है कि नहीं। अमन जी अभी हमने बात की ना कि अगर मेरे से ही पूछ के सब कुछ करो, तो अभी मेरी ये तृष्णा है कि मेरा ही रूल चलना चाहिए ना। दूसरा, मेरे से पूछ के क्यों नहीं किया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये कुर्सी इधर क्यों रख दी, ये फूलदान इधर क्यों रख दिया, ये मेरा बेड यहीं रहेगा, ये मेरे से पूछ के मेरी कार कोई नहीं चलाएगा। अब ये तृष्णा में रजोगुण की राज करने की, छोटे छोटी बात पर, किसी भी इंसान कुत्ते बिल्ली के ऊपर भी राज करने की तृष्णा है ना जी। बड़े बड़े राजन और पूमन ताकि तृष्णा बूझी रहे। हम दुनिया के राज्य की बात अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल राजा नहीं होता। हम ये बात कर रहे हैं, मेरा मन रजदा ही नहीं है, कंटेंटेड नहीं है, ये अपने आप में सिम्टम है कि मैं तृष्णा में फंसा हुआ हूं। मेरे से पूछ के होना चाहिए सब काम। अच्छा, जब मैं काम करूं तो तुम मेरी प्रेज भी करो, एप्रिशिएट भी करो। मेरी तृष्णा है कि मैं अपनी वाह वाह ले लेके रजता ही नहीं हूं। If you don't mind, असी ये पता लगा सकते हैं कि भी मतलब आई अंडरस्टैंड तुसी सानू एक बीमारी बारे दस रहे हो जिहड़ी तृष्णा है, पर यह बंदे नू हुंदी क्यों है? बीमारी क्यों होती है? हेल्दी नहीं है, संतोख नहीं है। संतोख हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर संतोख नहीं है तो तेरे को अपने ऊपर दया नहीं आ रही है। अमन जी तेरे को मींस मेरे को, हम अपना डायग्नोज कर रहे हैं ना। मैं इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए किसी को भी जज नहीं कर रहा हूं, आपको भी नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे को कोई मेरी निंदा करे, कोई क्रिटिक्स करे, मेरे को बुरा लगता है, आई माइंड इट, मैं तो साढ़ बोल जाना, मैं उस बंदे ना दूरी पा लेंदा, मैं उस बंदे के बारे में निंदा करता हूं। ये बड़ा अपने आप को समझता है, क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऊपर कटाक्ष कर दिया था, मेरे बारे में उसने क्रिटिक्स कर दिया था। इसका मतलब मेरे को वाह की भूख है, तृष्णा है ये। आई एम टॉकिंग तृष्णा इन द सेंस ऑफ कपड़े पाना मकान कार पैसा, उस तृष्णा की बात अभी मैं नहीं कर रहा। आज मैं कर रहा हूं, अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरे से पूछ के दुआ मैं अपसेट हो जाता हूं, तो मेरे को वावा की भूख भी है और राज करने की बदबू भी है। इसका मतलब मैं अपने ऊपर दया ही नहीं करता, अपने आप को मैं आप ही दुखी कर लूंगा। जो अपने शायर की बात की थी, खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो तू घायल हुए जा रहा है। yes. तो जब हमारे घर में कोई भी इंसान टेबल पे बैठ के किसी के बारे में बात करके जोर से टेबल पे मुक्का मारता है, तो उसको घर वाले कहते हैं ना, अपने ते दया करो ना, तुसी इतनी जोर दी मुक्का मारा, तानू चोट भी लगी है, तुसी डिस्टर्ब भी होए हो, अखां भी लाल हो रही हैं, कंबदे पे हो, बीपी हाई हो गया, क्यों? अपने ते दया करो। पति जब पत्नी के साथ ऐसे मिसबिहेव करता है, पत्नी उसको कुछ बोलती है, मैं घर का पति हूं, चुप, ऐसे बोलता है ना, अपने पे दया नहीं करता, कैसे ये लड़कों ने ऐसे कर दिया, और गुस्से से बोलता है, दिमाग की नस फट जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। इसका मतलब जब हम फ्यूरियस होते हैं, जब हम एजिटेटेड होते हैं, जब हम वोल्केनो की तरह फटते हैं, चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे बच्चे, चाहे बॉस, चाहे कोई दुनिया का बंदा, तृष्णा की जलन में, अपने ईगो के अहंकार की जलन में वो जल रहा है, अपने ऊपर दया नहीं कर रहा, और ये दूसरों पे क्या दया करेगा? ये अंदर से दुखी है, ये अपने आप को टॉर्चर करता है। देखा लोग हाँ ऐसे पागल है ना, पागल है ना, ऐसे अपने आप को थप्पड़ मारते हैं लोग। जो कमरे में प्रेजेंट नहीं है, जो कहीं रह रहा है, कितनी दूर गया हुआ है, उसको ओ वो पागल, अपने को दुखी कर रहे हैं। कहते हैं ना ऐसे, प्लीज डोंट माइंड माई एक्टिंग। फिर दूसरा क्या करते हैं, अपनी एक झूठी वैल्यू बनाई हुई है और उसको ये समझता क्या है ना, हमारी कोई औकात ही नहीं है ना, हम पागल बैठे हुए हैं, ऐसे उच्चो उच्चो बोलता है ना, मैं मूर्ख हूं, मैंने धूप में आवाज से टेकी है, ऐसे भी बोलता है। जो इंसान अपने पे दया नहीं करता है, वो पैशनेट नहीं है, उसको जुनून ही नहीं है कि मैंने दया करनी सीखनी है, मैं कंपैशनेट होना है, तो वो अपने से ही सिंपैथी नहीं रखता, तो दूसरों पे क्या करेगा वो? इसलिए स्पिरिचुअलिटी बोलती है, आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अगर तू दुखी है तो तेरी ईगो का कंडा तेरे को चुभ रहा है, मेरे को समझाया जा रहा है, साकत और साधना जाना तिनंतर हो में कंडा जो चले चुभ है दुख पावे, जमकाल से ऐसी डंडाए। आज के टॉपिक में जम क्या है, डीमन क्या है, तृष्णा, वाइसिस क्या है, तृष्णा, वर्च्यू क्या है, दया, वर्च्यू क्या है, संतोष। अपने ऊपर अगर आप दया करेंगे ना तो हमारे घर संतोष आ जाएगा। तौल तरम दया का पूत, संतोष थाप रखिया जिनसू। मेक सेंस? हाँ, हम बोल सकते हैं नो मेरे को नहीं समझ आया, ये बात नहीं बनी, पर ये बात गुरबाणी समझा रही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सच का लॉ है। सो ये जो साहिब ने स्टेटमेंट बनाई ना, हैव पैशन to be compassionate. पहले तो ये जुनून होना चाहिए कि मैं सुधरना है, मेरे सुधरन वास्ते मैं अपने आप नू जिहड़ी जिहड़ियां गल्लां तो टॉर्चर करदा वो गल्लां छोड़ांगा ना, इहदा मतलब मैं आपने ते दया करांगा ना, राइट। पहले अपने आप से सहानुभूति रखूंगा ना। लोग अपने आप से सहानुभूति पता है क्या रखते हैं, ये मेरा टाइम है, ये मैं सो रहा हूँ, ये मेरा अखबार पढ़ने का टाइम है, ये मेरा योगा का टाइम है, ये मेरा सैर का टाइम है, ये मेरे स्विमिंग का टाइम है, और ये पहले आप नहीं करो। ऐसे अगर मम्मी भी करती रहे तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चे को कोई पालेगा भी नहीं। और अगर घर में दादी है, अगर दादी बोले कि पहले मेरा सब कुछ कर दो, वो पहले माँ थी ना, वो ऐसे नहीं कहती है। हाँ, जब वो फिजिकली बेचारी नहीं कुछ कर पाती है तो हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम अपने ऊपर दया करें कि एक दिन हम भी ऐसे हो जाएंगे, तो हमें आज से ही दादी की प्रॉपर सेवा करनी चाहिए, इस घर का दस्तूर बनाना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी ऐसे फिजिकली अगर वो लाचार हो रहा है तो हमें एक दूसरे पर दया करने वाला घर का माहौल बनाना चाहिए। पर मैं तो ये बात कर रहा हूं ना कि पहले अपने ऊपर दया करना सीखेंगे, सेल्फिशनेस की बात नहीं चल रही। पहला मेरे कपड़े धो दो, पहला मेरा नाश्ता बना दो, पहला मेरी बेटी बना दो, पहला मेरा नहाने का बाथरूम क्लियर कर दो, हर बात मेरी 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 मेरी। वो सेल्फिशनेस की खुदगर्जी की बात नहीं चल रही। मैं बात कर रहा हूं मेरी बैड थॉट्स से मैं डिस्टर्ब होता हूं, मेरे को अपने ऊपर ये अपसेट क्या डायग्नोज करना चाहिए, कैमरा लगाना चाहिए, और अपने अपसेट के ऊपर अपने ऊपर दया करनी चाहिए। वो मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरे को ये पैशन ही नहीं है कि मैं सुधरना है। आई वॉन्ट टू बी आइडियल मैन, शेक्सपियर, इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी। लो जी, अगर मैं बनना ही नहीं चाहता आइडियल मैन तो मैंने चूज ही डीमन वाला रास्ता किया। बाणी या धर्म मेरे को सिखा रहा है कि उस रास्ते से तेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। तू अपनी पत्नी को गाली दे ले, तेरी मर्जी तो चल जाएगी, पर सामने तेरा बच्चा देख रहा है, ये बच्चा तेरे से ये वाला गलत ट्रेट, ये गलत स्वभाव पकड़ लेगा, और जिस दिन तेरे को पकड़ के बाहर निकालेगा फिर तू आज जबरदस्ती शराब पीता है, तेरा बच्चा 10-11 साल का घर में शराब की बोतल लेके आ जाएगा और एक हाथ में यहां पर लड़की को साथ में लेके आ जाएगा, तू क्या करेगा? इसलिए बच्चे पर ब्लेम नहीं लगाना, पहले अपने ऊपर दया कर, तरस कर, हैव दिस पैशन, हैव दिस जुनून कि मैं संवरना है। प्रथमे मन प्रबोध है आपना, मन समझावन कारण कछोक पढ़िए ज्ञान, थोड़ी सी नॉलेज ले, नॉलेज ये ले कि मैं कित्थों कित्थों गलत हाँ और मैं केड़े केड़े नैगेटिव एक्शन करदा जिन्हें नाल मैं डिस्टर्ब होंदा। अमन जी, यहां पर मैं आपसे बात कर लूं कि 2 अक्टूबर को हम इसी के ऊपर सेमिनार करेंगे, right। जो हम पल पल डिस्टर्ब होते हैं, उससे हमारी पल पल की डेथ होती है। अगर हमको वो बात समझ में आ जाए तो हम बुढ़े कभी नहीं होंगे और हमारी डेथ कभी नहीं होगी। इसलिए 2 अक्टूबर वाला सेमिनार हम लाइव ऐसे ही करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। हम स्पिरिचुअल फिटनेस लेंगे ताकि हमारी एजिंग कभी नहीं होगी मेंटली। उसको बोलते हैं गुरमुख बुड्ढे का दिन है, और हम इटरनल हो जाएंगे, पल पल मरेंगे ही नहीं। सो अमन जी 2 अक्टूबर आपने इसको मैक्सिमम मैसेज को डालना है, 2 अक्टूबर टाइमिंग लगा और वो लिंक बना देना। तो हम दया करणंग दुख हरणंग उचरणंग नाम कीर्तने का, कीर्तना का मतलब है कि मैं प्रेज वाले, क्वालिटी वाले, एप्रिशिएशन वाले गुणों को जीता हूं, अपने ऊपर दया करता हूँ। रब जी काइंड हार्ट ने, पहले मैं काइंड हार्ट बनना सीखता हूँ, अपने ऊपर काइंड हार्ट होता हूँ। मैं क्रुएलिटी छोड़ के पहले अपने आप को प्यार करना सीखता हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा कहें बेटा रात बहुत हो गई है, तुम ये जो टीवी पे फिल्में देख रहे हो या कंप्यूटर में अपनी आंखें डाल के गड़ा रहे हो या सेल फोन पे ये कर रहे हो, ये तुम्हारी सेहत का नुकसान कर। तुम जाओ ना, चुप करो, मेरे को बॉदर मत किया करो। ऐसे हम करते हैं ना, अपने ऊपर दया नहीं करते हैं ना। अपने ऊपर काइंड हार्ट नहीं है, हम सिंपथाइजर कैसे हो जाएंगे दूसरों के ऊपर। सतियां मन संतोख उपजे, हमने पिछली बार विचार की थी। पहले संतोख तो पैदा कर, संतोख पैदा करने के लिए अपना पहले तृष्णा वाला फैक्टर ठीक करना होगा, तृष्णा के सारे डीमन को किल करना होगा, तृष्णा की आग को बुझाना होगा। फाइन, दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया। माया क्या होता है? सोने को, पैसे को, दुनिया को, स्त्री को, मकान को माया नहीं कहते हैं। माया मेरा नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मन की मत। मन की मत मींस इवल्स की थॉट प्रोसेस। मन की मत से जो मेरा ख्यालों का संसार बनता है ना, उसको जाग रचना सब झूठ बोलते हैं। मन की मत से हम बाहर वड्डा हुआ दुनिदार बन जाते हैं और गल संगल काफी चलाया, हम डीमन वाली जंजीर से बंधे हुए चलते हैं, वाइसिस की जंजीर से बंधे हुए चलते हैं। ठीक है ना? दयाल पुरख भगवान ने नानक लिपत ना माया। पाए बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभु आप। आग बुझ गई, मेरे अंदर कॉन्शियस में गॉड है, मैंने कॉन्शियस की आवाज को सुना, उसने मेरा तपत कड़ाहा बुझ गया कर दिया, उसने मेरे को छाती शीतल मन सुखी कर दिया, तन मन ठंडा थार थी, तृष्णा दी आग बुझा दी। उनका ने पा बलंदड़ी आग लगी हुई सी, बुझ गई कदों, जदों मैं एप्रीशिएशन वाले काइंड हार्ट वाले गुणा दे नाल जीविया। सो अमन जी, जो इंसान अपने अपसेट को रिकॉग्नाइज करता है ना, वो मानो अपने ऊपर दया कर रहा है, उसको जी दया बोलते हैं। वो अपने बारे में ना कंपैशनेट हो गया, अपने इवल्स से बचने के लिए वो विजडम की फायर प्रूफ जैकेट पहनता है। पाए बुलंदरी बुझ गई रखंदलो प्रभाप, जिन उपाय मेदनी नानक सो प्रभ जाप। मेरे मन ने जो अपनी सृष्टि अंदर बनाई हुई है ना, उसको मेदनी बोलते हैं। एक तो ये बाहर की सृष्टि है ना, पर मेरे अंदर की मैंने सृष्टि गलत बनाई हुई थी, उसको बोलते हैं सगल सृष्टि को राजा दुखी है। मेरे अंदर की और मैं दुखी हूं। मेरे मन ने ना कॉन्शियंस वाले गॉड का मीन्स सतगुरु वाला मैसेज ले लिया, आग बुझा दी। उसको हमने गाया था ना, सॉरी, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। जब मैंने सच को फॉलो किया, पंद रास्ता, जुलंदड़ी सच के रास्ते पे चला, मेरा अंदर ठंडा हो गया। ये मेरी चॉइस थी तब हुआ है ना। अमन जी यह सुन लो, अगर ये मेरी चॉइस ना हो तो मैं जलता रहूंगा ना। करेक्ट। तो पहले तो हमारे को अंदर ये जुनून तैयार करना होगा कि मैं आइडियल इंसान बनना चाहता, हाँ मैं तृष्णा वालों ओ वावा वाली पुख्तों और बल्कि मैं दूजे नु एप्रीशिएट ते करांगा, पर पहला मैं आप वावा दी पुख्तों हट रहा वा, आप मैं क्रिटिक सुन के बॉदर ना हुआ, आप मैं लोगा दिया गल्ला छोड़ दिया, आप मैं किसी दी निंदा ना करया करा। ता मैं आइडियल बना। करेक्ट। सो जो मैं अपने ते दया कीती था, मेरे ते संतोख आ जाएगा। वट शावर्स संतोख, कंटेंटमेंट। सो सीक यू अचीव्ड, कंपैशनेट बन गए, अनदर सीक यू अचीव्ड, one will be real sympathizer, sincere sympathizer, truly sympathizer। सही मैंने में सहानुभूति करने लगेंगे ना हम, तो मेरे अंदर टेंडरनेस आ जाएगी। So have this passion to be compassionate। तो जिनु पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। सो अंदर से जो तेरे को गुण मिला, अपनी आग बुझा ले, काइंड हार्ट हो जा, अपने ते दया करेगा ना। अपने ते दया करन दा पैशन होना चाहिए, तेरे को कंटेंटमेंट आ जाएगी, तू रियल सेंस विच सारियां दा भला करन लग पेगा। फाइन। हिपोक्रेसी वाली हमदर्दी छुट जाएगी। रियल हमदर्दी आ जाएगी। yes। अगर मेरे को रियल हमदर्दी समझ में आ जाए तो मैं शादी के टाइम दाज नहीं लूंगा, संतोखी जो। right। इसका मतलब रियल हमदर्दी आ जाएगी तो मैं अपने समाज में भी दाज प्रथा के अगेंस्ट नया समाज बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को समाज के ऊपर भी दया आ गई है। मैं सारे समाज से हमदर्दी करता हूं। करेक्ट। पर मैं बीबी क्यों यूज करता हूं, विवेक बुद्धि यूज करता हूं, इसलिए सिर्फ ऐसे नहीं कि एक लड़की वाले मिले हैं, वो शादी नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उनकी शादी की रोटी का इंतजाम करा दिया, उनका दहेज का और सोना देने का इंतजाम करा दिया। वो बात नहीं चल रही। मैंने क्या किया, समाज में से दाज प्रथा ही खत्म कर दी। चाहे किसी की बेटी अमीर बाप की बेटी हो और चाहे किसी का बेटा अमीर बाप की बेटी से शादी करा के आए, दाज प्रथा तृष्णा है, दाज प्रथा में दया नहीं है, दाज प्रथा समाज का कोड कैंसर है, दाज प्रथा खत्म। क्योंकि हमको समाज के ऊपर तरस आया, रियल सेंस में हमने सिंपैथी की, because we had see, we had contentment, we had compassion and we could rescue। यही है ना। yes। इसको real sense में humanity बोलते हैं। अगर real sense में हम सारे अपने आप को सवार लें, real passion, जुनून। कबीर कसौटी राम की चूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सा है जो मर जीवा होए। मैंने, मेरा को जुनून है कि मैंने एलिवेट होना है, मेरे को जुनून है कि मैंने आग से अपने आप को बचाना है, मैं अपने ऊपर दया करता हूं, इसलिए ये जुनून और ये दया का स्वभाव मेरे अंदर आ गया, इसलिए मैं अब दूसरों के ऊपर दया करता हूं, उनको लेट डाउन फील नहीं कराता, उनको पिटी फील नहीं कराता, उनको कॉम्प्लेक्स में नहीं रखता कि मैं सुपीरियर हूं तुम घटिया हो, है ना। अगर मैंने 4 पैसे कमाए हैं तो मैं उनको पैसे कमाना सिखा देता हूं, हाउ टू अर्न द ब्रेड बटर। सिर्फ ब्रेड बटर देता नहीं हूं, हाउ टू अर्न द ब्रेड बटर। जीसस क्राइस्ट ने कहा था ना कि इफ ए बेगर कम्स टू यू डोंट गिव बकेट ऑफ फिश टू हिम, रादर टीच हिम हाउ टू कैच द फिश, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा हम काम करेंगे विद्या विचारिता परोपकारी। हम सही मैंने परोपकारी क्या बनेंगे, हम जो मेरे को विजडम समझ में आए वो दूसरों को भी मैं क्लिक कराने लायक बनूं और उनको भी क्लिक करा सकूं, भैया तुम विजडम ले लो और अपनी आग बुझा लो, अपनी फायर प्रूफ जैकेट पा लो, ऐसे तुम जलोगे नहीं। अगर कोई मेरे को संत जी बाबा जी समझ ले तो मैं सब जगह आग थोड़ा बुझाने जा सकूंगा, अपनी अपनी आग अपने घर बुझा लिया करो। उसको शब्द गुरु कहते हैं, उसको फुल ऑफ विजडम कहते हैं। अपना फायर प्रूफ जैकेट पहन लो, अपना आर्मर पहन लो, उसको संयोग कहते हैं, है ना, ताकि तुमको आग लगाई ना करे। इसलिए मिडल मैन आउट होता है, डायरेक्ट गॉड से शेक हैंड होती है, मींस स्पिरिचुअलिटी के साथ हम दया वाला जीवन जीने लग जाते हैं। So passion and compassion, we all can be contented. असी सारे संतोषी हो जाएंगे ना जी। फिर पिछली बारी ऐसी गल की सी ना कि सानू कैपिटलिज्म बॉदर नहीं करेगा, असी कमांदे भी हाँ, कमांड की आकड़ हंकार भी नहीं है, बल्कि दूजे नाल शेयर भी करते हाँ और दिखावा भी नहीं करते हाँ। Make sense? Make sense. अच्छा अमन जी, कई लोग ना चैरिटी करते हैं। अच्छा पिछली बारी मैंने बोला था कि कई लोग सिर्फ धर्म की बातें करते रहते हैं, चैरिटी नहीं करते। कई लोग सिर्फ चैरिटी करते हैं, धर्म की बात नहीं करते, ठीक है। तो दुनिया में बड़े लोग हैं, पैसा दे देंगे, पर आप क्रोधी, आप तृष्णालु, आप तृष्णा की आग में भी जलते हैं। होता है ना। अच्छा कई लोग ना चैरिटी कर देते हैं, शराब पी लेते हैं, है ना। शराब पीने के 2 ही रीजन है ना, एक बोलता है जी मेरे को नींद नहीं आती है, एक बोलता है दिन सेहत अच्छी हो जाती है, एक बोलता है दिन हार्ट ट्रबल नहीं होती है, और एक बोलता है कि मिलिया ना प्यार तो मैं तेनू गल ला लिया, शराब को। गुलाम अली की गजल है ना, शराब की बोतल को, मिलिया ना प्यार तो मैं तेनू गल ला लिया, भुलिया ना पहला गम दूजा पल्ले पा लिया। So, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को दूजा कोई प्यार करे। ये भी तो तृष्णा है कि दूजा, अरे तू लविंग बीइंग हो जाना, तू आप तो लविंग बीइंग हो नहीं रहा, दूसरों से प्यार मांग रहा है और तू इसके ऊपर एक नैले पे ढेला मार रहा है कि तू शराब भी पीनी शुरू कर दी। सो कई लोग ना चैरिटी करते हैं पर अपने कैरेक्टर को नहीं संभालते हैं। वो सोचते मैंने तो पैसे तो दे ही दिए है ना, मैंने धार्मिक स्थान पर सोना तो लगवा ही दिया, मेरी वाह वाह भी कर दो, ये भी तृष्णा सता रही है, करेक्ट। सो रियल सेंस में चैरिटी कब स्टार्ट होगी, जब मैं अपने ऊपर पहले चैरिटी करूंगा, दया करूंगा, सेवा अपने ऊपर करूंगा। विच दुनिया से कमाई है, पहले मैं अपने अंगों को, अपने के सुरतमत बुद्ध को, अपने अंदर के सारे जी जंतुओं को पहले मैं संतोख का, कंटेंटमेंट का भोजन दूंगा ना, विच दुनिया से अपमाइए ता दरगाह बैसण पाइए। मैं अपने कॉन्शियस वाले गॉड के साथ वन मर हो जाऊंगा ना। अब मैं दुनिया के साथ जब मैं सिंपथाइजर होऊंगा तो मैं बाहर रियल सेंस में सेवा कर सकूंगा ना, रियल चैरिटी शुरू होगी। पर बाहर की चैरिटी तब शुरू होनी चाहिए जब मैं अंदर से सती हुआ। लिंक विद द लास्ट वीक्स चैप्टर। अंदर से मैंने अपने अवगुणों के ऊपर आग जलने वाले ख्वारी से, डिस्टरबेंस से अपने ऊपर दया करनी शुरू की। उसका मेरे को जुनून हो गया दिन रात कि मैंने संवरना है। मैंने डे बाय डे सब जगह से क्वालिटीज लेनी है। गुणा का वे वासला कट वासला ही जे गुण उन साधना में सांझ करी, सांझ करी जे गुणा करी, छोड़ अवगुण चलिए। मेरा ये जुनून हो गया है, मेरा ये पैशन हो गया कि मैंने अवगुण छोड़ने हैं। अवगुणों से आग लगती है और मेरी तृष्णा बढ़ती है और मेरी डिस्टर्बेंस होती है। राइट अमन जी, कोई क्लिक भी हो रहा है कि नहीं? विजय, यू आर मेकिंग absolutely correct. We are going in right direction, I feel. Thank you. So assi jadon santokhi ho jante hain na, real senses ta o da matlab hai assi apne te daya karte hain. Daya karan dukh haran taul taram daya ka poot। mere ko daya aa gayi apne upar, apne negatives ke karan jo main disturb hota tha। mere ghar santokh आ गया, मेरे अंदर के सारे संतोख थाप रखे जिन सूत सबको धागे से परो के सब जगह संतोख ट्रांसमिट कर दिया। है ना? अब ना इसका बेनिफिट शुरू होगा। पहले मैंने अपने अंदर की दुनिया को ठीक किया, उसकी सेवा की, विच दुनिया से कमाइए तादर का बैसन पाई। है ना? अब मैं टेंडरनेस में आ गया, अब मैं रियल सिंपथाइजर हो गया। जब हम टेंडरनेस में आ जाते हैं ना, हम रूड नहीं रहते हैं, हमारी जुबान मीठा होती है, हमारी देखनी जो है ना वो क्रूएलिटी के बदले सॉफ्ट हो जाती है। मिठी हमदर्दी वालियां अक्खां, मिठे हमदर्दी वाले बोल। मिठे बोल ठगन वास्ते नहीं, मिठे हमदर्दी वाले बोल। So, मिठे बोल हो गए, मिठी तकनी हो गई, कोई टॉन्ट नहीं है, कोई निंदा नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हुन जदों मैं मिठा बोलांगा ओनू कहंदे ने जे तो प्रिया दी सिख हिआव ना ठाए कहीदा। अगर तेरे को गॉड से मिलने का शौक है ना, किसी को हर्ट मत किया कर। अच्छा, अपोजिट क्या है? टूट। ये प्रीत है ना, टूट प्रीत गई बुरबोल। पैड़े बोल बोले, झूठ बोला सोने। पैड़े बोल बोले ना, गालियां निकाली ना, गुस्से से बोला ना, अपनी जुबान खराब की ना, गंदी की ना, निंदा की ना, दूजे दे कपड़े धो के मैल ला ली ना, निंदा करके। तो तेरी अंदर वाले गॉड के साथ प्रीत टूट गई। जिसकी अंदर वाले गॉड के साथ प्रीत टूट जाती है ना, वो आइडियल्स को छोड़ देता है, वो बाहर भी लोगों के साथ पैड़े बोल बोलता है, रूड, क्रूअल, उच्चा बोलना, गाली निकालना, टिट फॉर टैट करना, दूसरे की बात सुनना ही ना, डोमिनेट करना, अपने आप को मिस्टर राइट बनाना। राइट? सो अगर तू इनर गॉड के साथ वननेस चाहता है ना, मींस यू वांट पीस, मींस तेरे को रियल अपने आप से हमदर्दी है, तो पहले अपने आप को ठीक कर ले, फिर तेरा ना बाहर का बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। जो उसका परलोक सुखी तो बाहर का लोक भी सुखी, उसको बोलते हैं जो अंदर से फिट वो बाहर भी फिट, पर जो अंदर से फिटिया वो बाहर भी फिटिया। ठीक है ना मंजी? अगर हम प्यार की बोली सीखना पाख्या पाओ पार वाली, तो हमारे सामने जो भी इंसान आएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एथिस्ट कम्युनिस्ट जो मर्जी, अमीर गरीब गोरा काला जिस मर्जी जेंडर दा, है ना, किसी भी स्टेटस वाले के साथ हम पैड़े बोलने लगेंगे। सिंपैथी हो गई है, करुणा आ गई है, टेंडरनेस आ गई है, मैं रियल सेंस में चैरिटी जी रहा हूं, मैं सिर्फ पैसे का दान ही नहीं करता। ऐसे बनेंगे ना, सबसे इक्वालिटी का स्वभाव करेंगे ना हम। बाहर तो इक्वालिटी का स्वभाव कर रहे हैं, घर में मम्मी पापा के साथ मिसबिहेव करें, दादा दादी नाना नानी से मिसबिहेव करें, अपने सिबलिंग्स के साथ अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव करें, अपने स्पाउस के साथ मिसबिहेव करें, तो बाहर की चैरिटी का क्या फायदा है? अंदर बदबू है, बाहर सुगंधी लगाने का क्या फायदा है? मन मैले सब कुछ मैला तंत होता है, मन अच्छा ना हो, बाहर से तन को सजाने का क्या फायदा है? तो हम तेरा मेरा अमीर गरीब स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन सब छोड़ देंगे, हर किसी से मीठे बोल बोला करेंगे। दारजी लिखते हैं, मैं हर किसी नाल ओदे अंदर बैठे शाह बहराम भाव ओदे अंदर बैठे गॉड खुदा वाहगुरु अल्लाह राम दे नाल गल करदा हां। मैं मनुख दे बाहर दा स्टेटस नहीं वेखदा। ये जितने खुदा के बंदे हैं मेरी तस्बीह के मणके हैं, ये नजर आते रहते हैं, मेरी इबादत होती रहती है। फाइन। फिर चाहे मैं किसी कंपनी का बॉस हूं या सीईओ हूं या मेरे एक भी बंदा काम करता है, चाहे मेरे घर की नौकरानी है, चाहे मेरा ड्राइवर है, या मैं कोई किसी कंपनी का फैक्ट्री का मालिक हूं, मेरे को सारे ये बंदे मेरे प्यार वाले, मेरी टीम है, इनको मैं परिवार की तरह रखता हूं। मैंने एक पाकिस्तान ड्रामा देखा सोना चांदी, तो उसमें सोना चांदी एक घर में जाके नौकरी करते हैं, तो वहां का मालिक पता है क्या बोलता है? हम ना अपने नौकरों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। You say, you repeat. हम लोग अपने नौकरों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। ये जुनून होना चाहिए, ये कंपैशन होना चाहिए, ये हमदर्दी होनी चाहिए, ये टूटता फिरता चैरिटी है, ये टूटता फिरता एम्बुलेंस है। तुम किसी को हर्ट नहीं ना कर रहे। Yes. कोई भी हो, anyone else, मैं मिठ्ठा बोलना सीख रहे हैं ना। जब हम रियल सेंस में चैरिटी सीख जाते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं करते हैं, दूसरों के माँ बाप की भी सेवा करनी शुरू कर देते हैं, चाहे पड़ोस चाहे समाज। इस दुनिया में इतने माँ बाप बुढ़े घरों में रुल रहे हैं, उनके बारे में क्रिएटिविटी भी सोचना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिव, कि आगे से बुड्ढे ना रुला करें। इसलिए हमने एक सेमिनार किया था ना, पालन पोषण, एक हमने बुजुर्गों के ऊपर किया था, अनमोल संपदा, कि ये हमारी बड़ी कीमती कैपिटल है, बुजुर्गों के साथ मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? किसी के बच्चे को यतीम नहीं कहेंगे, उसको अपना बच्चा बना लेंगे, कहने के लिए नहीं, सच्ची मुच्ची अपनी गोदी में लेंगे, जब भी पाएंगे उसको। इधर मेरा बच्चा है, इधर ये वाला बेगाना बच्चा है, पर मैं किसी को बेगाना नहीं समझना है। ये रियल चैरिटी है। अमन जी, आपको वो याद है जब एक बारी मैंने डिस्कस किया था कि एक माँ अपने बच्चे को पहली दफा स्कूल दाखिल कराने गई, नहीं तो वो जाके बोलती है टीचर को, ये मेरा बच्चा ना शरारती बहुत है, नॉटी बड़ा है, ये आपको भी डिस्टर्ब करेगा और बच्चों को भी करेगा, इसको ना गुस्सा मत करना, तुम पता क्या करना, इसके साथ वाले बच्चे को थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा। ये वाला तरीका ठीक है क्या? नहीं, किसी के बच्चे को भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी माँ भी आके ये वाली स्टेटमेंट टीचर को देगी तो वो तेरे बच्चे को भी थप्पड़ मारेगी ना। इसका मतलब वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जीनी पड़ेगी, किसी के भी बच्चे को बिगाड़ना नहीं कहेंगे हम। अगर मैनहुड के लस्ट में किसी स्त्री को बॉदर किया गया है, उसके बच्चे को पिता का नाम नहीं दिया जाता, तो रियल सेंस में समाज में सिंपैथी होगी कि हम उसके बच्चे को हराम का बच्चा ना कहें और अपना बच्चा बना लें। राइट, पर वो बच्चा किसी मैनहुड के लस्ट का शिकार हुआ है, उसकी माँ को ऐसी ब्रेड बटर कमाने के बदले रियल सेंस में हम कोई उसका इंतजाम कर देना ताकि उसको ये वाला काम ना करना पड़े। हम ये वाले काम समाज में कब करेंगे? अपने घर ही बैठ के मैं शरीफ हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं, मेरे को क्रोध नहीं चढ़ता, मैं माला फेरता हूं, मैं तो जंगल में जा रहा हूं, ये थोड़ा ना हमने करना है। हमने अपना समाज ठीक करना है, बिना वितकरे तो सारे का भला करना है। शर्त पर रहेगी, मैं अपने ऊपर C इक्वल टू S, CQ इक्वल टू SQ जीता हूं, वो वाला पिछली बारी का मेरे पास BBQ हो, मैं इमोशनली हर आइटम को समझता हूं पर उसके साथ ब्लाइंड नहीं हो जाता और उसका सोल्यूशन समझता हूं। हम सारे क्रिएटिव हो जाएंगे, हम सारे कर्ता पुरख हो जाएंगे, हम सारे अंदर टेंडरनेस आ जाएगी। ठीक है जी, राइट जी। सो पैशन, जुनून, कंपैशन, दयावान, और कंपैशन से हमारे को सुमात आती है और संतोख उत्तर आ जाता है हमारे पास, दया वाली सुमात आ जाती है। सो जो जोगी ने स्टेटमेंट दी थी, हैव पैशन टू बी कंपैशनेट, रियल सेंस में सहानुभूति शुरू होगी, रियल सेंस में सिंपथाइजर हो जाएंगे, रियल सेंस में हमको एम्पैथी और सिंपैथी मिला के बीबीक्यू आ जाएगा, हम कंटेंटेड भी हो जाएंगे, हम स्पिरिचुअली भी हो जाएंगे, और हमको अपने ऊपर और दुनिया के ऊपर दया करनी आ जाएगी, टेंडरनेस आ जाएगी, दयालु हो जाएंगे, कृपालु हो जाएंगे, अपने ऊपर भी दूसरों के ऊपर भी, और जबान को, आंखों को, बॉडी लैंग्वेज को संभाल के रखेंगे, किसी को भी तीर आंखों के नहीं मारेंगे, जुबान के नहीं मारेंगे, किसी की गलती देख के बिना अनडिट कर देंगे, की निंदा जगत में नहीं करेंगे, ये भी तो सिंपैथी है। उसको प्यार से अंदर खाने समझा लेंगे। फाइन। एक पॉइंट और, अगर मम्मी पापा बच्चे को सुधारने के लिए मारते हैं, ये दया नहीं है, वो अपनी पेशेंस लूज करते हैं, बच्चे को ऊपर क्रुएलिटी करते हैं, और वो स्टेटमेंट पुरानी वाली यूज करते हैं, स्पेयर द स्पॉइल द चाइल्ड। नो नो नो, वी आर नॉट सपोज टू हैव द स्टिक, वी आर नॉट सपोज टू बीट द चाइल्ड, वी आर नॉट सपोज टू येल एट द चाइल्ड। राइट, क्योंकि हमको उससे सिंपथी हो गई है। कुकेंदिया चांगेंदिया मत्ती देंदिया नित, जो शैतान विजाया सिकित फेरा चित, हम फरीद जी का श्लोक करुणा वाला, प्यार वाला बोल बोल के शेयर करेंगे, उसकी गलती के अगेंस्ट उसको मारेंगे नहीं। उसके कारण को ढूंढेंगे कि इससे गलती क्यों हुई। फाइन। अगर मेरा बच्चा कहीं से चोरी करके आया है या मेरे घर में रिश्तेदार आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, मेरा बच्चा उनकी पॉकेट में से पैसे निकाल लेता है, तो मैं अपने बच्चे को मारूंगा नहीं। मैं कारण ढूंढूंगा कि मेरे बच्चे को ये वाला एक्ट क्यों करना पड़ा। कहीं हमारी बड़ों की तो गलती नहीं है। दूसरी बात, अपने बच्चे को प्यार से अलग कमरे में उसके साथ शेयर करूंगा, मारूंगा कभी नहीं, ना इकल्लिया, ना पब्लिक में, ना दूजे के सामने। प्यार प्यार प्यार, सब्जेक्ट टू टेंडरनेस, सब्जेक्ट टू करुणा, सब्जेक्ट टू दया, सब्जेक्ट टू माय कंटेंटमेंट। So, be passionate to have compassion, real sympathy. Thank you, ji. I think वीर जी ने साढ़े नाल आज बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े सोने ढंग नाल सानू जिंदगी विच असीं किवें उसनूं बेटर सुखेला होके जी सकते हैं उहदे लई पॉइंट शेयर कीते ने। ते तृष्णा साडी जिंदगी दा किवें एक अनचाही बीमारी साढ़े लिए बन जाती है, उहदे बारे सानू बड़े ही कीमती पॉइंट दिते ने ते दस्या कि गुरबाणी सानू इस तो उपर उठन वास्ते किवें हैल्प कर सकती है। तो हुण मैं रिक्वेस्ट करांगा एम पी वीर नू कि प्लीज़ वो साडे नाल इस टॉपिक दे रिलेटिड शेयर करन जो कि वो कनैक्ट नहीं कर पाए सी बिगनिंग विच। दैन वी विल टेक साडे जिहड़े हैगे ने जसमीत जी और भुआ जी, असीं सारिआं नू वारी वारी रिक्वेस्ट करांगे कि इस टॉपिक नाल रिलेटिड वो अपने व्यूज शेयर करन। एम पी वीर जी। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं माफ़ी चाहना कि जो शुरुआत इस मैं बुलाया गया तो मैं हाजिर नहीं हो सकिया क्योंकि फोन पर आ ही नहीं रहा सी, फिर महिमा ने लगा के दिता है। यह टॉपिक जो चल रहा है अज भी और लगातार क्लासिज में जिन्हें टॉपिक चल रहे हैं, एक तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि भाई खाली इंडिया तो नहीं, हर कंट्री विचों जो संगत बैठी हुई है, जो सज्जन बैठे हुए ने, सारे अपनी अपनी शेयरिंग जिहड़ी है सब नाल करते हैं और किन्नियां दा उहदे चों फायदा होंदा है सानू पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक माइंडसैट तैयार होंदा है कि असीं जो पॉजिटिविटी की गल करते हैं सारे इस क्लास विच, वो किते ना किते साडे सारे वास्ते हेल्पफुल होंदी है। अज का भी जो टॉपिक जिमें हैगा एम्पैथी जो लास्ट टाइम तो चल रहा है, कितना कुछ मतलब असी बोलते हाँ, खाली असी ही नहीं बोलते, दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर बोलते हैं, बड़ी किताबां भरी हुई ने टॉपिक्स वास्ते। भावें वर्ड हैगा उहदा किवें बनिया एम्पैथी वर्ड कि भी हाँ दूसरे का नज़रिया जो है असी उहनूं वेटेज दिंदे हां जां देनी चाहिदी है, और फिर जदों इहनूं असी एक्सप्लेन करांगे तो कितना फैलाया जा सकता है। कोई ये साइकोलॉजी भी डिस्कस करता है, वो कि रिसर्च हो सकती है कि साढ़े अंदर के ख्याल किमें मूव करते हैं जो असी ये वर्ड को समझते हाँ। कभी फिजियोलॉजी समझी जाती है किमें बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जो असी कोई इंस्टिंक्ट या इमोशन अपने उत्ते हावी होने देने हाँ, चंगे नू या माड़े नू, ते साढ़े अंदर की चेंजेस आते हैं। लेकिन यह वे कि भी इन्ना कुछ बोलन तो बाद भी लगता है स्टिल देयर इज मोर टू बी टोल्ड, हाली भी कुछ होर बाकी है कि भी दस्या जाए दुनिया। तो ये प्रोसेस तो खैर चलता रहेगा, लेकिन मैनू लगता कि भी जो पातशाह गुरबाणी में सानू देन देंदे ने वो बड़ा सिंपल सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जी गल करके ना सानू एकदम फोकस्ड जो है उहदे ते पहुँचा देंदे ने कि जिमें हुण एक मैनूं पंक्ति याद आ रही है गुरबाणी चों, मन अपने ते बुरा मिटाना वेखै सगल श्रेष्ठ साजना, है ना। बड़ा मीनिंग इस सारे का समझते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल जा स्ट्रेट फॉरवर्ड गल हैगी है कि अपने मन तो जे असी बुराई नूं किसी दे वास्ते मिटांदे हां, उहनूं साफ कर दिंदे हां, ते सारी सृष्टि जो है वो अपनी लगती। लेकिन एक भी थोड़ा जा और नजदीक अगर जाइए तो ये जो पंक्ति हैगी है ना मैनू होर अपने नेड़े लैके जाती है। वो ये कि बई जेकर मैनू ये समझ आए कि भी ख्यालों विचों बुराई मिटानी है तो पहले तो मेरा प्यार मेरी तवज्जो जो है वो अपने वाल अपने नाल भी बनेगी, वरना मैनू अपने आप तो ही बहुत बारी कहना आती है किसी गल तो मैं अपने आप को घट समझदा वां, किसी उहदे करके मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता वां और फिर मेरा बिहेवियर जो है वो कभी फ्रस्ट्रेशन वाला वे, कभी डिप्रेशन वाला वे, कभी स्ट्रेस वाला वे। तो इस करके बाणी नू जब तक असी अपने नाल संबंध करके अपने नाल जोड़ के नहीं समझ पाते हैं तब तक एक प्रोसेस ये चलता रहता है कि जो मैं बोल रहा हाँ जो मैं नॉलेज गेन की है फ्रॉम विच एवर सोर्स दुनिया बड़े सोर्स ने तो वो सिर्फ ए कोई सुन लवे। जब तक मेरा मन नहीं सुनता तब तक ये वाली गल जरूरी नहीं है कि सब के काम आ जाए, क्योंकि जो मेरा मन सुनेगा तो वह फायदा यह होगा कि आई विल बी प्रैक्टिकल माई सेल्फ। जे मान लो मैं मिठा बोलन की गल करा तो मिठा मेरा सुभाव होना चाहिए, मिठास मेरे मन के अंदर होनी चाहिए। तो जेकर मैं वह अभ्यस्त बन जावा वो प्रैक्टिकल हो जावा खुद तो फिर मैनू किसी के वालों आई हुई कुड़तन जी है मैं लगेगा कि भी ये थोड़ा जाली बचकानी कर, वरना जे किसी वालों कुड़तन आई है तो फिर मैं कहना मैं कोई घट थोड़ी हाँ, वो तो मैं तो मिठा बोलता सी लेकिन हम तो ये सामने इंज हो रहा सो आई हैव टू रिटेलीएट असी कोई गए गए थोड़ी हैं। फिर इस तरह का भाव चलता है। हाँ जे मेरा भाव अंदर टिकया होया वाला तो नैचुरली फिर मैनू उसकी लोड़ ही नहीं पेगी कि मैं रिटेलीएट करना, मैनू लगेगा कि भाई ये हमारी कोई बचकानी हरकत होगी, दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो एक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से तुहानू देना चाहना कि जदों क्लासिज लगाईदा सी गुरबाणी दियां ते बच्चियां नू लैक्चर लिख के मैं दिंदा हुंदा सी ते एक वारी साडे जिथे गुरुद्वारे दे प्रधान साहब सन मैं वो जगह नहीं दसांगा लेकिन वो शराब वगैरह खूब पींदे सन ते सानू जदों गुरमत मिशनरी कॉलेज च सिखाया जांदा सी कि शराब दे अगेंस्ट या जो भी है किवें दा यूसेज नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड। और साडे गुरुद्वारियां भी जदा चलन हैगा वे प्रधान सकत्तर जिहड़े बनदे ने वो इस तरह का चलन चलते हैं जो तो संगत विच बदअमनी पैदा होती। सो मैं उन्होंने जो क्लासिज एक मुंडा बहुत स्मार्ट मुंडा सी बहुत इंटैलीजेंट मनमोहन सिंह का नाम सी वो अपना उन्होंने मैं लैक्चर लिख के दिता, उन्हें गुरुद्वारे में वो लैक्चर जो बोल दिता तो प्रधान साहब साढ़े नाल गाली गलोच हो गए। लेकिन ये मैं देखा कि बई हर जगह पर जदों तुहाडी सपोर्ट विच साडी बीवियां साडियां भैणां साडी मातावां होंदियां ना वो काम सिरे चढ़ी जाता है। तो उस जगह ते साडे जो संगत विच जिन्नियां भी मातावां भैणां सन उन्हां ने इस गल दा बहुत साथ दिता और वो काम उस तो बाद निबड़ गया। प्रधान जी ने उत्थे शपथ लई कि मैं आज तो बाद शराब नहीं लवांगा। लेकिन उस तो भी वड्डा जो काम होया वो बच्चा जो है मनमोहन सिंह आफ्टर हिज इंजीनियरिंग ही वाज सिलेक्टेड इन ब्लू स्टार। उस टाइम हिटाची की नवी नवी सीटी स्कैन मशीनस आई सन तो उस डिपार्टमेंट में वो भर्ती हो गया और 3 महीने बाद ही उन्होंने जापान जाने वास्ते सिलेक्ट कर लिया। तो मैनू उन्हें जदों आके वापस एक गल दसी कहता वीर जी जदों जापान असीं पहुंचे मैं हालांकि लोगों की 3-3 साल बाद भी चांस नहीं बनता मैनू उन्होंने 3 महीने बाद ये चांस दे दिता। तो फस्ट मीटिंग जी वैलकम मीटिंग हुई वो अलॉन्ग विद द GM जापान विच हिटाची दे और बहुत सारे जो लोग साढ़े इतों भी गए सन होर भी कंट्रीज तो आए सन तो असी करीबन 35 बंदे सी जो राउंड टेबल उहदे ते बैठे हुए सन और गलबात करदियां इंट्रोडक्शन देंदियां साढ़े सामने सब दे ग्लासेस लग गए और सब विच वाइन सर्व कर दित्ती गई। कहंदा हुण जदों ये ग्लासेस सामने लग गए तो उन्होंने जिमें टोस्ट रेज करते हैं चीयरस बोलते हैं उन्होंने वैलकम का एक तरीका भी उन्होंने नॉर्मल का प्रोसीजर है। तो कहता मैनू वो वाला लैक्चर याद आ रहा सी और जो संगत का रिस्पॉन्स सी वो भी याद आ रहा सी। तो मैं एकदम अपने आप पक्का कर लिया कि मैं एक गिलास में टच भी नहीं करना, वे चुक के उपर इंज कर देव चेयर्स सारे देख लैन, मैं कर लिया लेकिन उस तो बाद रख दाँगा पीआँगा नहीं, मैं क्या मैं टच ही नहीं कराँगा। तो जदों मैं एक कर बैठा तो उस मीटिंग तो बाद जी एम ने मैनू बुला के कहा कि तुसी साडी हदक कीती है, असी वैलकम वास्ते सारियां दे सर्व कीती सी एंड यू डिड नॉट रेज द टोस्ट। कहंदा मैं उन्होंने बड़े सिंपल जे लफ्जां जवाब दिता, सर साडा जो मेरा रिलीजन है ना दैट डज नॉट अलाउ मी टू डू दिस, कैन यू कोऑपरेट विद मी फॉर दैट। कहंदा उन्हें इमीडिएटली मैंने पूछा कि व्हाट इज योर रिलीजन, वो क्यों ये मना करता है। तो कहंदा मैं जो लैक्चर याद से मैनू मैं उहदे नाल सारी शेयरिंग कर ली। उस तो बाद कहंदा मेरे कुलीग मैनू कहंदे ने जिहड़े मेरे नाल गए सन इत्थों इंडिया तो सीनियर मेरे, वो कहंदे ने तू बहुत बड़ा रिस्क लिया, तेरा आज कैरियर खत्म हो सकता सी जो तू काम किया, क्योंकि ये इत्थे इहनूं बहुत वड्डी गल समझदे ने। लेकिन कहंदा मैं अपने उहदे ते दृढ़ रहा। उस तो बाद पोजीशन ये हुंदी सी 3 महीने कहंदा साडी ट्रेनिंग सी उत्थे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਔਨ ਹਿਸ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਕਨਵਿੰਸਡ ਵਿਦ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਨਲੈਸ साडा मन असी अपने अंदर किसी भी काम वास्ते किसी भी वजह ना अगर कन्विंसड है तो यस दैट विल वर्क इन द सोसाइटी आल्सो। लेकिन असी सिर्फ इस करके उहदे नाल कन्विंस हाँ कि गल बहुत अच्छी है, हाँ इहनूं बोल लैंदे आं, इहनूं प्रचार दिंदे आं, इहनूं दुनिया नूं दस दिंदे आं, मैं देख लाँगा, मैं इहदी जरूरत उत्थे यूज़ करांगा और बाकी जगह शायद मैं उहनूं अवॉइड कर लाँगा, मैनूं कौन देख है ना। सो इस तद तक जो गुरु साहब ये गल करते हैं मैंने तो छोटी जी पंक्ति चो बड़ा मतलब लग्या क्योंकि ये वाला मैसेज सचमुच गुरु साहब बड़े यूनीक ढंग नाल दे रहे हैं कि अपने मन के नाल तुसी जो सच का जो भी मार्ग सीख रहे हो या सिखा रहे हो या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, भावें असी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब चो पढ़ रहे हैं या विद्वाना को सुन रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं, जेकर मैं अपने मन के नज़दीक करके रख सकना इन्नी मजबूती मेरे अंदर है तो सोसाइटी विच वो वर्क करेगा मेरे वास्ते भी मेरे आस पास, वरना बोलन वालियां दी भी कमी नहीं है, सुनन वालियां दी भी कमी नहीं है। लोग लखां च एक एक बोलन वाले सुनन जाते हैं, असीं देखते ही ते इहनूं प्रैक्टिकल अपने वास्ते बनाना बहुत जरूरी है। इहदे नाल साडी जिन्नी भी मेहनत है वो सफलता हो सकती है और मैंने लगता है कि इस पॉजिटिविटी नाल सानू जो है वो तरक्की भी बड़ी मिल सकती है, क्योंकि हमेशा जो इंसानी जो फितरत है वो तरक्की पसंद है। सो तरक्की अपने जीवन जांच विच अगर असीं हासिल कर सकीए तो बाकी चीज़ां जिहड़ियां दे फॉलो भावें वह बिजनेस है भावें वह तुहाडे नौकरी है भावें तुहाडा रहन सहन है वो सब जो है वो बड़ा माकूल हो जाता है, बड़ा खुशनुमा हो जाता है। सो मैंने लगता है कि इस एफर्ट विच साडी जो है अपनी मेहनत वो बहुत जरूरी है, उहदे ते तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। ते सारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैंने लगता है कि उन्होंने पार्टिसिपेशन जिहड़ी है साडे वास्ते सब वास्ते बहुत फायदेमंद है। हुण मैं एक गल कहना चाहना वो क्लास तो मैं पिछलियां तो कहना चाहता सी लेकिन अज मौका मिल गया। तो जिहड़े बॉम्बे तो साडे नौजवान वीर ने जसमीत सिंह स्पैशली, सो मैं इन्हों कहना चाहवागा कि खाली मैं एवं तू नहीं कह रहा लेकिन सचमुच तुम जो किसी गल खोलते हो तो आई लाइक यूर प्रजेंटेशन द वे यू स्पीक एंड वे यू एक्सप्लेन, बहुत सिंपल सादा और बहुत दिल में छूह होंगे एकदम कि भी जिमें कोई सचमुच प्रैक्टिकलिटी भरया होंगे ना बंदा उस तरीके। तो मैं बहुत पसंद आया ता बोलना, बिसाइड्स जो होर भी सब बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन इन्नी यंग उम्र में ऐ लगता है कि तुसी बहुत एक्सपीरियंस है बोलन में भी प्रेजेंटेशन भी। सो सारियां नूं बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके नाल पार्टिसिपेशन सारे करते रहो, फिर अगे चांस मिलेगा तो तुहाडे नाल होर शेयरिंग करांगे। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू एमपीवी जी, असी एमपीवी जी दे बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। फ्रॉम आई थिंक जदों वीर जी ने 96-97 तो शुरू किया, सिंस दैन ही हैज़ बीन अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड आई रियली डोंट हैव वर्ड्स, बट आई थिंक जदों भी जिथे भी उन्होंने मौका मिले ही हैज़ बीन लाइक अ, मैनू इनकी गल याद आती है कि असी अपनी लाइफ विच गड्डी दे विच स्टपनी दा रोल एवें सोचते हैं कि यार स्टपनी की है, बट मैनू अपनी परसनल लाइफ विच लगता है कि भी स्टपनी सब तो कीमती पार्ट है, क्योंकि जदों गड्डी सब सही चल रही होंदी है तो किसी को कोई लोड़ नहीं होंदी, बट जिथे कार रुकती है तो इंसान को समझ आता है कि भी स्टपनी तो बगैर तो उसका कोई गुजारा नहीं है। तो इन वेरी हाई पॉजिटिविटी आई फील कि सानू ऑर्गेनाइजेशन दे विच जदों भी जिवें भी गुरबाणी नू गुरमत नू लैके वीर जी नाल इन एंड आउट उन्हां नू रिफाइनिंग दे विच कोई भी गल होए एम पी वीर जी ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड हेल्पड अस। ते ईवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी सीख कि साडे नाल होर असीं इस नू होर किवें बेनीफिशियल बना सकदे हां सब नाल। ते मैं रिक्वेस्ट करांगा हुण जसमीत वीर जी नू कि प्लीज़ अज दे टॉपिक बारे होर साडे नाल सांझ पाउण। जी जसमीत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला बहुत बहुत धन्यवाद एमपीवी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली अप्रीशिएटेड, बट आई डोंट डिजर्व इट। मैं बड़े ध्यान नाल एमपीवी जी की गल ते उस तो पहला वीर भुपिंदर सिंह जी की गल सुनता पिया सी, ते मैं उस नूं ही असीं थोड़ा होर अगे समझण की कोशिश करिए, बिकॉज वीर जी ने भी बड़ा ही प्यारे टॉपिक ते कुछ कुछ वर्ड्स यूज करते पे सी। जिवें उन्होंने एक वर्ड यूज किया तीर मारना, ते मेरा ध्यान उत्थे ही रुक गया कि तीर मारन की गल चलते पे उधर आने तो पहला ना एक, क्योंकि उस मसले ते पहुंचने तीर तो पहला तो एक छोटी जी एग्जाम्पल नाल समझण की कोशिश करिए। एक बिल्डिंग लै लो, सोसाइटी लै लो, उन्होंने ना वॉचमैन रखे। हुण वॉचमैन कोई क्यों रखेगा? रखवाली करन लई। हुण वो वॉचमैन की करे, वो राती हाथ विच एक डंडा फड़े, चक्कर मारदा रहे, डंडे नू जमीन ते टक 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 मारदा रहे, ते नाल वाजा मारदा रहे, जागते रहो। असीं पिक्चरां विच वी देखदे आ ना, आंदे जागते रहो। एक दिन बीतिया, सोसाइटी वाले बड़े परेशान, कहंदे ने हद हो गई है यार, असां इस नू रखे ताकि असीं सोच सकीए, इह तां सोण ही नहीं दिंदा पिया, कहंदा पिया जागते रहो जागते रहो। अजीब बंदा। एक दिन बीतिया, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, रोज यही गल होए, हर थोड़ी देर बाद चक्कर मारन आ जाए तो कहंदा रहे जागते रहो। वो बड़े परेशान। उन्होंने ना एक मीटिंग बुलाई सोसाइटी वाले ने, कहंदे ने कीता की जाए, आओ इस वॉचमैन नू बुलाइए। वॉचमैन नू बुलाया, उस वॉचमैन नू कहंदे ने भलिया पुरखा असीं तैनूं पैसे दिंदे आ ताकि तू जागा रहे, असीं तैनूं सैलरी दिंदे आ ताकि तू जागिया रहे, ताकि तू साडी रखवाली करें, पर तू सानूं ही नहीं सुण दे रहा। वॉचमैन कहते मैं तुहाडी एक चीज नाल सहमत हाँ ते दूजी चीज नाल सहमत हाँ। कहते हैं क्यों? कहते मैं इस चीज नाल सहमत हाँ कि तुसी मैनू तनख्वाह देंदे हो, मैनू सैलरी देंदे हो ताकि मैं जागिया रहा। मेरी डांग ते मेरी पुकार जागते रहो एक गवाह है कि मैं सुता नहीं हाँ, मैं जागिया हुआ। कहते पर मैं तुहाडी दूजी बात नाल सहमत नहीं हाँ कि तुसी मैनू रखिया तुहाडी रखिया कर। कहना एक चोर आ गया, मैं शायद मुकाबला कर ला, दो आ गए, मैं शायद मुकाबला कर ला। कहते 10 चोर आ जान, 15 डाकू आ जान कि मैं उन्हों का मुकाबला कर सकता ना। तुसी मैनू इस करके रखिया हुआ है कि मैं तुहानू आगाह करना, भलिया पुरखा रखवाली तू आप करनी है, मेरा काम है तेनू सुचेत करना कि रखवाली तू आप करनी है। बाबा कबीर कहते पे ने दुनिया होशियार बेदार जागत मुसीयत हो रे भाई। हे दुनिया दे लोगो जाग जाओ, जाग लियो रे मना, जाग लियो। गुरु कहंदा पे दुनिया होशियार बेदार, बड़ी अजीब गल, जागत मुसीयत। मैं पता की देखा धार्मिक ग्रंथ ते पुकार मारदा पिया सी कि जाग जा, रखवाली ते आप तू आप करनी है। पर तू इतनी गफलत दी नींद विच सो गया कि उस धार्मिक ग्रंथ दे अगे मत्था टेकदा रहा पर समझा रहा कोई होर आके मेरी रखवाली करेंगे। इस करके गुरु ने पुकार के सानू के चीज की। गुरु कहंदा है इस ग्रह में कोई जागत वो विरला है, इंपॉर्टेंट पर्सन है जेड़ा जाग जाए। पर जागना पता किस चीज तो है, जरा वीर जी गल करते पे सी, बस मैं उधर लैके जाऊँ। हुण जागना किस चीज तो है? नींद चो। नींद है केड़ी? गुरु साहब उस शब्द विच कहंदे पए ने नैनो नींद पर दृष्ट विकार। अखां दे विच नींद है, मेल तेड़ दी, विकार दी, ऐ मेरा ऐ अपना ऐ बेगाना। मैं अपने ते प्रॉब्लम बीतेगी तां ते मैं बिल्कुल जाग जावांगा, मेरे गवांडी ते बीतेगी, किसी होर ते बीतेगी, मैं मुंह नहीं खोलांगा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार। श्रवण सोए, मेरे कान सुते पए ने, सुन निंद विचार। रसना सोई, लोभ मीठे साध, जुबान सुती पई है झूठ दे लोभ दे स्वाद विच। इन्हां सारियां दा ड्राइवर मन। मन की है? विचारां दा संग्रह। सारियां दा ड्राइवर की होया है मन। सोया माया बिस्माद, मन सारियां दे विच सुता पिया। इस करके गुरु कहंदा पिया हे भलिया पुरखा जाग जा। जदों तू इन्हां सारियां दी ट्यून ते नचदा पिया ना, तेरी हालत एक बंदर वांग हुई है। मदारी ट्यून वजांदा पे डम 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 करता पे, तू नचता पे, क्योंकि तू चंचल सी बंदर वांग। पर जदों एक ट्रांसफॉर्मेशन उस सिंपैथी जो वीर जी कहंदे सी ना, अपने आप ने हुण तू सिंपैथी करनी शुरू करती। बाबा कबीर कहंदे पए ने एक फैसला ले ले। की ले लिया? अब मोहे नाचनो ना आवे। हुण मैं डांस करना छड़ दिता। हुण डांस करना छड़ दिता, नैनो नींद पर दृष्ट विकार तो बचना शुरू हो गया। हुण प्रॉब्लम की वापरी, हुण सोल्यूशन की आया। हुण कबीर साहब रह के जांदे पए ने जिधर वीर जी ने जिक्र किया सी तीर दा। कबीर साहब कहंदे पए ने पता है वैसे ना बाणी विच अनेक थां ते लफ्ज वरतिया जांदा है बेदिया, जिवें कि मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई। फिर वरतिया जांदा है मन राम नामा बेदिया ले। बेदिया दा भाव है पीअर्स हो जाना। हुण तुसीं अगर फुल्लां दी इक माला बनानी है, उन्हां फुल्लां विचों इक छेद करना पएगा तां ही रस्सी निकल पाएगी। मेरे मन दे विच ना एक छेद हो गया, जिस करके हुण सच दी विचारधारा अंदर जा पा रही है, मिंजिया गया मन राम नामा बेदिया ले हो रहा है। हुण उहदा नतीजा की निकला? बाबा कबीर हुण फैसला सुणांदे पए ने दो श्लोकां विच। बाबा कबीर कहंदे पए ने नींद सी ना, नैनो नींद पर दृष्ट विकार सी। बाबा कबीर कहंदे ने हुण पता की हो गया? जदों आप मोहे नाच नो ना आवे होया। कबीर साहब कहंदे पए ने कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल पया मारिया सत गुरबान। छेद चाहिदा सी ना, जगह चाहिदी सी ताकि सच दी विचारधारा निकल सके। सतगुर ने एक बाण मारिया, तीन मारिया, तीर ते जिक्र सी। हुण उहदा नतीजा की निकलिया? गूंगा हुआ बावरा। हुण गूंगा हो गया मैं हुण बोल ही नहीं पा रहा, जो मैं इतना झूठ बोलदा सी, झूठ सुनदा सी। हुण जदों वो सच्चे ज्ञान दा तीर लग पिया ना, आई डोंट केयर अबाउट दिस। मैनू उस झूठ की विचारधारा की परवाह नहीं रही, मैनू उस निंदिया की सोच की परवाह नहीं रही, मैं बावरा बन गया। हुण दुनिया चलाकी करती सी। बावरा मतलब एक बावरा हुंदा नेगेटिव, एक बावरा हुंदा पॉजिटिव। वो पॉजिटिव बावरा हो गया। जिन्हों कहते पे गुरु नानक साहब कहते पे ना भया दीवाना शाह का नानक बौराना। इधर मैं बावरा हो चुकिया, वो चलाकियां मैं हुण छड्ड दित्तियां। ए 2 × 2 6 करन दी चलाकी छड्ड दित्ती। ए फॉर बॉल कहने की चलाकी छड़ देती। यही हो रहा ना साढ़े नाल। ए फॉर बॉल कह के हुण अगर ए फॉर एप्पल कहन जाइए, कहने हद हो गई, तेनों इन्ना नहीं आंदा। पर बाबा कबीर कहने पे नहीं, वो चलाकी छड़ देती। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगल पया। यही पैर सी फिजिकल जिहड़ी गलत थां ते जांदे सी। हुण ए पैर मदद करन जांदे पे ने, पर यह होया क्यों? मारिया सतगुरबान। हुण मैं समझ लिया उस ज्ञान सदका अपने घर की राखी मैं आप करनी है। वो तीर किने मारिया? बाबा कबीर अगले श्लोक विच कहंदे पए ने कबीर सतगुर सूर में। मेरे नजर तो देखो तो मैं सतगुर नूं सूरमा किवें ना आखां। कबीर सतगुर सूर में बाहें बाण जो एक। सतगुर ने एक तीन मारिया। कबीर सतगुर सूर में बाहें बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परा करे जे छेक। वो तीर ठीक जगह ते जा वजिया। हुण मैं समझ लिया कि मैं अपने घर की राखी आप करनी है। और सिंपथी मैं अपने जीवन दे विच लैके आनी है। जदों मैं अपने इंद्रियां ते सिंपथी करन जोगा होवांगा, फिर मैं समाज की सिंपथी नूं सिंपथी नाल देख सकांगा, नहीं तो उत्थे भी मेरा स्वार्थ ही होएगा। मैनूं लगदा है वीर जी भुपिंदर वीर जी होर ने भी तो एम पी वीर जी होर ने भी इतने खूब ढंग एक जो एक टॉपिक खोलता से उस मैं थोड़ा ऐड करने की कोशिश की है। तो अखीर में मेरे अजीज जुझार वीर जी नू कपूर बड़ा पसंद है। तो कपूर की एक बड़ी प्यारी लिखत है। कपूर लिखता है कि मनुख कुदरत दे कानूना नू कुदरत विरोध वर्तन लग पे। दुराव करा, मनुख कुदरत दे कानूना नू लॉज ऑफ नेचर नू कुदरत दे कानूना नू कुदरत विरोध वर्तन लग पे। बस जदों असीं यह चीज़ समझ गए ना फिर जो असी प्रॉब्लम देखते हैं जिवें ग्लोबल वार्मिंग हो गई होर अनेक मसले हो गए जदों असी कुदरत के नियम नू समझ के यह समझ आवांगे कि वह नियम साडे अंदर भी काम करते हैं फिर वो जो कहते पे ने जिन मानस ते देवते की है वो अवस्था असी समझ सकांगे तो अपने जीवन के सिंपैथी लैके आ पावांगे होईआं गलतियां दे क्षमा। तुहाडी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत जी एंड एमपीवी जी। जसमीत जी तुसीं जिहड़ी तीर नूं एक्सप्लेन कीता और जो एग्जाम्पल्स कोट कीते ने दे आर मार्वलस। आई मीन पूरे रिलेट करने वास्ते इतना ईजी हो जाता है कि गुरबानी नूं हाउ वी कैन प्रैक्टिकली लिव। तो एक चीज़ मैं होर कहांगा जिहड़ी भी गल असीं कर रहे उहदे विच गुरु साहब सानूं कहंदे ने विच दुनिया सेठ कमाईए तां दरगे पैसे पाईए। सो वी हैव टू लिव दिस कंपैशनेट लाइफ। बट इहदे विच ना कुछ चीज़ां हैगियां असी समझ रहे हैं कि कंपैशन मीनस कि आई अंडरस्टैंड वॉट यूर अदर परसन इज गोइंग थ्रू। वो ना सानू एक अंदरों पैशन होना चाहिए अंदरों एक चाह होना चाहिए। सानू विरासत चीज़ा मिलदियां ने बचपन तो कि असी दूजे का ध्यान रखना है दूजे की केयर करनी है। बट हौली हौली असी देख रहे हैं कि समाज इस डायरेक्शन वध रहे कि असी अपने घर के बंदियां नू बजुर्गों नू नहीं पूछ रहे असी दूजे की की गल करिए। लिविंग ट्रेजर का जो एक मोटिव है क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ सेल्फलेस सर्विस through gems of Gurbani. So this selfless service जिहड़ी असी गुरबाणी तो सीख रहे हैं जी असी इस दे विच कंपैशनेट होइए ते अज अगर देखिए तो इंसान ना डरदा हैगा कि किसी नाल अगर मैं कंपैशनेट होवां किसी नाल मैं हमदर्दी करां तो वो मेरा नाजायज़ इस्तेमाल करेगा। सो यह जिहड़ा डर साडे अंदर पा दिता गया या पै गया उहदे नाल साडे अंदर कंपैशन खत्म होंदा जा रहा है साडे अंदर दूजे बारे हमदर्दी खत्म होंदी जा रही है। वी बिकम सस्पिशियस कि अगर दूजा मेरे नाल कोई प्यार की गल कर रहा है चंगी गल कर रहा है सानू सस्पिशन हो जाता सानू शक पै जाता है कि इहदा ना कोई परसनल मोटिव हैगा विच इज़ माई रोंग थिंकिंग क्योंकि सामने वाला जो प्यार नाल गल कर रहा है मे बी और मे बी नॉट दैट्स हिज कर्म कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर है। बट मेरा कर्म की है कि मैं उस कंपैशन नहीं छड्डना मैं अपनी अच्छाई नहीं छड्डना। संत ना छाड़े संत ही जो कोट तक मिले संत असीं पढ़ते हाँ बट वी drop our good qualities just because असी दूजे दे सामने judgmental हो रहे हैं। somebody rightly wrote he said कहना be kind to others because everyone you meet is fighting a hard battle। हर इंसान अपनी जिंदगी में hard battle लड़ना पे है। so सब वास्ते असी जदों compassion होवांगे साडे अंदर यह दर्द होएगा तां ही साडे अंदर चैरिटी वाली गुण भी आएगा दूजे भाव असी समझ सकते हैं दूजे का दर्द असी समझ सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जसमीत जी तुसी बहुत ही अच्छी तरह इस सानू समझाया। हम साढ़े कोल वीर जी कुछ क्वेश्चनस ने इफ वी लाइक टू टेक द क्वेश्चनस साढ़े कोल एक सवाल आया सतीश अरोड़ा जी का कि हाउ डू वी एक्सप्लेन ओल्ड सेइंग दैट गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। वीर जी प्लीज इस बारे तुसी सानू जरूर दसो। सारा कैमरा ऑफ है जी वीर जी। हाँ जी ये जी सेइंग है ना यह सेइंग है दसदी है कि मैनू पहला इंज नहीं सोचना कि भी मैं भैड़ा बन गया तो रब ने बनाया है ना तो रब कृपा करेगा तो मैं ठीक कर लेगा इंज नहीं है। यह सेइंग असीं इंज लेना है कि रब ने तो कृपा की गुरप्रसाद की ग्रेस की बख्शिश की बारिश की हुई है मैं अपने ते दया करनी है दैट इज मैं अपनी हेल्प करांगा कि मैं अपना भांडा सीधा करना मैं अपनी हेल्प करांगा कि मैं डायग्नोज कर रहा कि मैं डिस्टर्ब रहा जो मैं अपनी हेल्प करांगा मैं अपना वंब कंसीव करांगा जिदे विच आइडियल्स पा सकदा बेबी कंसीव आइडियल्स हां जी तो मनु होर आइडियल्स वाले गुण ख्याल और क्वालिटीज और माइट मिलता जाएगा तो मैं अपने जीवन दे नाल अपने लैचरी थॉट्स दे नाल फाइट कर सकांगा है ना राइट तो गॉड दा कॉन्सेप्ट गुरमत विच है कि गॉड इज ऑलरेडी ग्रांटिंग अस गिविंग अस शावरिंग आइडियल्स दी विजडम पर असी अपने ते तरस खा के अपना पांडा सीधा कर लिया जिन्हां नूं अपने तरस तो दूजियां दे नुक्स कढदे ने दूजियां दी निंदा करदे ने दूजियां ते ब्लेम लांदे ने और अपने ते दया मंगदे ने कि मेरे ते दूजे दया करन राइट दूजे देण वेले संतोखी हो जांदे ने अपना हाथ रोक लैंदे ने कंजूस हो जांदे ने होना चाहिदा है कि दया करनी है और संतोख करना है लेकिन सब्जेक्ट टू पहला मैं जीवन जात सीखा अपना पांडा सीधा करा पहला मैं कंटेंटेड हुआ पहला मैं पैशनेट हुआ कि मैं कंटेंटेड होना है मैनू कंपैशनेट आ जाएगा ते नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे गॉड होर क्वालिटीज दिंदा जाएगा होर माइट दिंदा जाएगा चंगे गुणा दा राइट थैंक यू जी आई होप सतीश जी दा सवाल जवाब मिल गया होना हां जी सतीश जी ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ऑन करके ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ हां जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो जसमीत वीर जी ने भी ते वीर जी ने भी जो मैं नाल एमपी वीर जी ने भी वो एग्जाम्पल देते हैं कहते वीर जी ने जसमीत वीर जी ने एग्जाम्पल जो सिक्योरिटी गार्ड वाला देता हैगा कि भाई सारे नु हेल्प पहले अपनी करनी पड़ेगी 10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं कांट सेव तो वीर जी ने भी एमपी वीर जी ने भी एग्जाम्पल देता है कि उन्हें जब आपने उत्तर दिया की थी तो बॉस भी उधर जापान कुछ नहीं कर पाया तो ही वॉज अवॉर्डेड एंड वीर जी ने भी जो एक्सप्लेन किया है शुक्रिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी एक सवाल साडे को लाया है कि जे असी सिंपथाइजर होइए कंपैशनेट होइए हर एक बारी दूजे नू प्यार नाल हमदर्दी नाल नीवे होके गल करिए सॉरी मंगते रहिए बट जब सामने वाला सानू फॉर ग्रांटेड लैंदा जाए ए बहुत कॉमन क्वेश्चन है हर एक दा ते असी की करिए सामने वाला सानू फॉर ग्रांटेड लाके मिसयूज करी जा रहे थे सानू की करना चाहिए सानू अपनी कंपैशन और सिंपैथी को छोड़ देना चाहिए या की करना चाहिए तो इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी आई हैव टू चॉइस टू ऑप्शंस वन ऑप्शन मैं अपनी गुड क्वालिटी छोड़ दिया अपना कंपैशन छोड़ दूं है ना और मैं टिट फॉर टैट करने लगता हूं दूसरी ऑप्शन है कि मैं अपनी क्वालिटी नहीं छड़नी वो जिस तरह रेज होया ओदी हो जाने राइट पर मेरे को संतोख है आई कैन लिव फॉर अदर्स आई थिंक जदों गुणा दे विच असी लीन हो जाते हैं ना असे सानू ये वैल्यू पता लग जाती है कि ये निक्कियां निक्कियां गल्लां हैगियां so when we talk about larger macro level ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜੁਝਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਤਨ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਗਲਤ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਾ ਲੈ ਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ऐप लेखा है अपनी कंटेंटमेंट है ना उन्होंने दूध पिलाते रहना चाहिए दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पतिया है नहीं तो घर को बाप रिसाए कंटेंटमेंट सारी अपना भांडे चो निकल ना जाए वाग ना जाए बी केयरफुल अगर तेरे पास कंटेंटमेंट है तो उसको उस लेवल को बरकरार रख और बढ़ा अपनी पेशेंस अपनी टॉलरेंस है ना एक्चुअली ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਕਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਟ ਮੀਨਸ that you value your relationship more than your ego so very good. I आई थिंक जो ये वाला बेनिफिट ऑफ डाउट और वैल्यू देने आ रिलेशनशिप्स नु ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਹੈਵ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਪਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਏ ਸਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਚੁਰਾ ਲਏ, बाद से सानू पता भी लग गया। सो शुड वी टेल देम टू द पेरेंट्स और की करिए? नहीं, उस बच्चे नाल प्यार करके उदने नाल डिस्कस कर लो। नहीं यार आस्किंग कि उन्हें उस बच्चे दे पेरेंट्स नु दसिए कि ना दसिए जिन्ने पैसे चुराए ने। पहला बच्चे नाल प्यार नाल गल कर लो ना। हां, पेरेंट्स नु सीधा कंप्लेंट करना ते लास्ट ऑप्शन है ही है जी। वो तो सिर्फ शिकायत करके उसकी पेरेंट्स ना रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगी, पेरेंट्स की नज़र भी गिर जाएगा, वो गिल्टी फील करेगा। उन्होंने प्यार ही गलवकड़ी ना लैके प्यार ना गल कर सकते हैं। राइट यार एक फेसबुक के क्वेश्चन है गए थे फॉर वीर जी, वो कह रहे हैं कि वीर जी ऑलवेज कोट रब्बी गुण, तो दे वांट्स टू नो कि हु डिफाइन रब्बी गुण एंड व्हेन दे गॉट एस्टैब्लिश्ड। They are established right from beginning. उन्होंने कहते हैं आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक कोसी भी सच। उन्होंने कहते हैं ट्रूथ प्रिवेल्स। उन्होंने कहते हैं सच पुराना ना थी है। तो रब्बी गुण कौन डिफाइन करता है? आइडियल्स नू ही रब्बी गुण कहते हैं। किसी ने किसी नू डिफाइन नहीं करना। तुसी डीमन थॉट्स वाले, बिगाइलिंग वाले, डिसीटफुलनेस वाले, विकेड आइडियाज नाल जी के देख लो वर्सेस आइडियाज नाल जी लो, तुसी एस्टैब्लिश कर लो, तुहाडी नवी सृष्टि बन जाएगी, तुहाडा आदत शुरू हो जाएगा, तुहाडा जुगाद सच शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस। लेट अस स्टार्ट योर यूनिवर्स इनसाइड ना। एक पैरेलल यूनिवर्स अंदर भी तो है ना। वेरी वेल सर, थैंक यू। यारी जोगी वीर जी नो सी ले सकते हैं। जोगी वीर जी ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। टॉपिक बड़ा अच्छा चल रहा है, सबने बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके ने एक्सप्लेन किया है। जो भुपिंदर ने शुरू किया कि जो साहब ने कहा सी कि भाई कंपैशन होना चाहिए, कंपैशनेट होने वास्ते वो क्यों रीजन की पीछे सी कि कंपैशनेट होना एक स्ट्रेंथ है जी, जिले सानू समझ आ जाए कि ये स्ट्रेंथ है जी। हाउ टू डील विद अदर्स विद स्ट्रेंथ कि खाली उन्होंने दया करनी या उन्होंने समझना कि भाई पिटी करनी अलग चीज़ है, कंपैशनेट होना विद स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। वो जो समझ आ जाएगी तो असी अपनी वोकैबुलरी, अपनी टोन जो असी वर्ड यूज करते हैं वो तरीके नाल करांगे, सोच के करांगे और अगले नूं समझण दी कोशिश करांगे। ओनली दैन वी कैन हेल्प दैन। अगर असी समझांगे ही नहीं प्रॉपरली तो असी हेल्प नहीं कर सकांगे। पर सानू सब करने वास्ते स्ट्रेंथ चाहिदी है। तो जे असी समझते हैं कि ये स्ट्रेंथ है तो सानू पैशन आप ही आना शुरू हो जाएगा कि यस आई शुड हैव दिस स्ट्रेंथ टू। सो मैं इन्ना ही ऐड करना चाहता सा, सब ने बड़ा ही सोहना किया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जसमीत वीर जी ने, एम पी होर ने, भुपिंदर होर ने, जुझार जी सारे काफ़ी मेहनत ना प्रोग्राम में अगे ले जा रहे हो। मैं बहुत धन्यवादी हाँ सब का। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। थैंक यू जी। Adela Sahib ji, Nikhil Sahib Singh ji, if you are available, can you unmute yourself? अच्छा फोन पे जाएगी, कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा हैंड रेज नहीं होया आज। आई थिंक Vidi, you can conclude if you want. We are bang on time. I think she is raised. Jujhar Bhai, I think Satvinder Kaur ji hand raise कर देते हैं। Randeep Singh जी ने पहले भी किया था, I think. Randeep Vidi, please, you can. I will make you a co-host. जी Randeep जी. हेलो हेलो, हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। वे जी बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है, बट दिमाग कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने सराउंडिंग्स देखते हैं कि बहुत सारे आप लाइव एग्जांपल देखते हैं कि हो रहा है कि मान लो कोई घर दे विच एक वाइफ हस्बैंड रह रहे है, ठीक है जी, सपोजिट वाइफ वर्किंग है, ठीक है जी, ते वो सारा घर का सिस्टम भी देख रही है प्लस आपका वर्किंग आवर्स भी कंप्लीट कर रही है, बट उसके बावजूद उसका हस्बैंड उसकी वैल्यू नहीं पा रहा है कि उन्होंने उदा ही लगे रहना चाहिए है जो एक आप सोचते पे हैं कि आपां नूं एप्रीशिएट करना चाहिए आपके हसबैंड को या जिवें भी जो भी स्पाउस को, ठीक है जी, उस तरह ही चलते रहना चाहिए, कुछ आपके राइट्स लिए उन्हें कुछ बोलना चाहिए है, ये अपने राइट्स नूं स्टैंड लेना चाहिए है कि मेरे राइट्स है एटलीस्ट मैनूं आ चीज़ां चाहिए मिनिमम। हेलो हेलो, हाँ जी वीर जी, रीट हो गया क्वेश्चन? हाँ जी वीर जी, अच्छा जी, देखो जे वाइफ इस तरह कर रही है ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦਾ ਔਰ ਈਵਲਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ते उन्होंने अपने हसबैंड के नाल प्यार नाल सत्कार नाल शेयरिंग भी कर लेनी चाहिए ते अपना चंगा गुण छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई जी, थैंक यू जी। सतविंदर जी बॉम्बे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ जी, Vaheguru Khalsa, Vaheguru Fateh. Very good points shared by everybody. Very clicking points. I just would like to share a short video, if you can allow me to share. Is it possible? Sure. Screen sharing job. Aman ji allow कर दो। अन्य मैं कर रहा हूँ इधर। Allow कितना है? कर सक रहे हो उन तुम जी? नहीं, disabled आ रहा है। एक मिनट। उन्हें। हाँ, okay. क्लिक करा ना, या क्लिक कैन यू सी, या अगर ऐसी समझाएंगे नहीं प्रॉपर्ली ऐसी हर पे There's no sound, I guess. आवाज नहीं आ रही। अमन जी आवाज आ रही है? नहीं जी, आ रही। मे बी आवाज ना हो रही है। साउंड नहीं आ रही, सिर्फ वीडियो आ रही। I think it's mute. थोड़ा वीडियो mute है। That's it. Can you play it again with sound? Because yeah, sound नहीं सीखे. Sound नहीं सीख, कुछ नहीं समझ आ रहा है. अच्छा, ओह. It was about a small child. I mean, the children are playing. बच्चे सारे खेलते पेन. ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪਲੇ ਉਹਦੀ ਟੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ही कम्स एंड ही सीज तो सारे बच्चे उसको देखते हैं फिर वो चला जाता बिकॉज ही फील्स वेरी सैड कि वो नहीं खेल सकता सारे नाल सो जो घर जाता तो देखता उसके दरवाजे के बाहर ना वो फुटबॉल पिया होंदा सो ही पिक्स अप द फुटबॉल एंड ऑन द व्हील चेयर ही कम्स टू गिव द फुटबॉल टू द चिल्ड्रन और देखता की है कि सारे बच्चे ही व्हील चेयर उत्ते बैठ के बास्केटबॉल खेल रहे हैं कोई चेयर उत्ते कोई बाइसिकल उत्ते कोई स्टूल उत्ते तरीक तरीक के एवरीबडी सिटिंग एंड प्लेइंग जस्ट टू मेक हिम फील कि यू नो नॉट मेक हिम फील कि अनवांटेड कि उसमें कोई काट है या नो ही इज इंफीरियर एंड ही कैन नॉट प्ले सो इट इज अ वेरी आइडियल एग्जांपल ऑफ बीइंग कंपैशनेट कि दे पुट हिमसेल्फ इन हिज शूज कि वो ही शुड नॉट फील कि डीमोटिवेटेड एंड उसकी एस्टीम लो ना हो जाए कि मेरे विच काट है एंड आई एम नॉट अ पूरन बंदा कि I cannot play with other children. So all of them sit on wheelchair and start playing the basketball, and that is how they, you know, make him feel important and make him feel motivated. So that was a video about that. He also inferiorly feel karande and they show empathy towards him and compassionate both. Instead of just sympathizing with him, ki okay, you're so sad you can't play, but nahi, they all get their wheelchairs and get their chairs and start playing on the chair basketball. So that was the video about. The empathy. Wow, very good. Thanks for sharing. Very good. Thank you so much for this great sharing. Hanji Swankar ji, please unmute yourself. Hanji Khalsa Waheguru ji ki fateh. Tusi manu hamesha encourage karde ho. Hune bhi main gaddi chala rahi si par main khadi karke ruk gayi ha. Thanks for your encouragement. Asi I think sare काफ़ी अपने आप नाल सिंपथी और एम्पैथी रखते हाँ तो ही हर सैटरडे जूम क्लास से आने हाँ और अपने आप को डायगनोज करते हैं कि साढ़े कितने ना कितने कोई कमी है तो असी सारे ही एक दूजे की शेयरिंग तो कुछ ना कुछ सीख के अपने आप को संवारण की कोशिश करते हैं दूजे तो असी संवारण वास्ते दूसरा स्टैप लाँगे पहले असी इतने सिंपथाइज और इतने एम्पैथाइजर होइए कि असी पहले अपने आप को संवारण की कोशिश करिए सो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कहते ने कि जब तक न थी अपने गुनाहों की खबर रहे देखते औरों के ऐबो हुनर रहे सो असी दूजे दे हुनर और ऐब देखते रहने क्योंकि अपना पता ही नहीं होगा वाह जी वाह अपने जानू पे निगाह जब पड़ी अपने जानू पे निगाह तभी कोई दूसरा बुरा ना रहा सो कोई भी बुरा नहीं है साढ़े अंदर जो साढ़े अपने मन के ख्याल चलते रहते हैं वो सानू जी तोल असी करते रहने हैं कि कौन पैड़ा है कौन चंगा तो फसे रहने हैं तो फिर एक होर है वो कहते हैं कि तलखी साढ़े अंदर बड़ी जल्दी आ जाती है जिवें किसी ने पूछा सी कि असी कोई सानू बार बार गारंटेड ही लैंदा रहिंदा असी कितना चिर तक चंगा करिए तो वो कहते हैं कि इसदी कोई लिमिट नहीं है तलखी आ जाती है जल्दी छेती ट्रमा देर नाल आंदा है सो ट्रमा साढ़े अंदर ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਲਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੀਏ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੰਪਜਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਵ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯੋਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की सुनाई दे रही मेरी आवाज रिचीपाल बोल हाँ जी रिचीपाल एक मिनट मैं भी माय हाँ जी सुनाई दे रही है आवाज आ रही है कि नहीं आ रही जी आ रही ओके so thank you for the topic and the opportunity so really appreciate bahut hi kamal de vichar chal rahi si mainu na do gallan just click hoiyan ek मैंने रिसेंटली एक बुक रीड की थी है एंड दैट बुक इज द इनफिनिट गेम है ना। तो वो जो कहता है कि जो साढ़े ह्यूमन लाइफ की होंगे यूजली वी ट्राई एंड ट्राई टू विन जोड़े शॉर्ट गेम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जिमें घर साड़ी आर्गूमेंट हो गई है ना, ईजिली असी उस आर्गूमेंट को विन कर सकते हैं है ना, बट ये शॉर्ट टाइम गेम होती है। बट इफ यू वांट टू प्ले अ लॉन्ग गेम जिहड़ी कदे खत्म ना होए, दैन यू हैव टू पुट डाउन योर ईगो है ना। इसे तरह जिमें कोई पानी लीक हो रहा फर्ज करो पाइप विचों है ना, ईजी सोल्यूशन उसका शॉर्ट टर्म है पुट अ बैंडेज है ना, बट बैंडेज वोंट लास्ट फॉर एवर। इफ यू नीड इनफिनिट गेम, कहने का मतलब उसका पॉइंट यह ट्राई टू प्ले अ गेम विच इज बियॉन्ड यू है ना। मतलब छोटी थिंकिंग ना रखो कि फार साइटेडनेस, लंबी गेम खेलो जिस उस एंगल तो ना जितो जिस किसी को शो कर पाओ। सेकंड थिंग आई हैव आल्सो हर्ड अ लॉट कि असी इंटरचेंजेबली ना सिंपैथी एंड एम्पैथी वर्ड यूज करते हैं, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दोस टू है ना। सिंपैथी जब यूज करते हैं ना वर्ड, दैट दैट इज मोर किसी पे तरस करना। जो एम्पैथी होता है वो किसी की फीलिंग नाल अपने आप को फील करवाना है ना, इट्स मोर करुणा वाला जो फीलिंग है। So it's a big difference. We just have to be careful कि ऐसी word केड़ा use कर दें। That's all. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। Thank you, Rijipal ji. Thanks for sharing. So nice. Thank you for joining. तुसी हर week साडे नाल join करिया करो ते तुसी बड़ी सही गल कीती कि जिहड़ी गल मैं भी पहले कर रहा सी कि असी वैल्यू की करते हैं, रिश्तियां दी करते हैं या अपनी ईगो दी करते हैं। दैट इज माय चॉइस। सो साडी अपनी चॉइस हैगी है। साडे नाल हरजीत मासी जी होंगे। हाँ जी अमन जी, एक सेकंड। Jujhar ji, I think Veer ji can correct me, but Veer ji जो असी पिछली दो क्लासेस समझे है, तो आई थिंक सिंपथी सिर्फ तर्स खाना नहीं है, जो रियल सिंपथी तुसी सानू एक्सप्लेन कीती है, जो कि आज असी और ट्रू वाली सिंपथी शेयर कीती है ना जी। तो ट्रू सिंपथी असी पहला अपने ते दया तर्स कर रहे हैं कि मैं अपने बैड हैबिट्स तो छूटना है, और फिर असी जो दूजे दे नाल कर रहे हैं तो असी उन्होंने लैट डाउन फील नहीं करा रहे, उन्होंने पिटी फील नहीं करा रहे, बल्कि विवेक बुद्धि दे नाल BBQ नाल यूज कर रहे हैं, और असी इमोशनली बिल्कुल अन्ने हो के उस तरह फॉर्मैलिटी वाला नहीं कर, ठीक है ना। तो एक मेरा भी डाउट क्लियर करो, तो नहीं लगता कि आई थिंक तरस इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, दया इज अ पॉजिटिव वर्ड। तरस से मतलब फिर पिटी ही हो गया, मतलब वो मैनु नहीं लगता कि जो असी कहना कि मैनू उत्ते तरस आ गया था, दया इज या दोनों सेम ही वर्ड्स है कहने यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मैनू पता नहीं सी तुसी इस तरह का क्वेश्चन करोगे, मैं तरस बारे पढ़ाई करांगा, खोज करांगा, ठीक के पॉजिटिव इन नेगेटिव। थैंक यू जी। और आजकल मैं नोटिस की है कि आजकल ना पेट्स बारे लव बहुत ज्यादा बढ़ गया लोगों के बीच। आई मीन दे आर रियली वेरी कंसर्नड अबाउट स्ट्रीट डॉग्स एंड और जो घर के पेट्स हैगे ने, बट इंसानों बारे उन्होंने उस लेवल का दर्द नहीं। मैं अपनी फैमिलीज़ भी देखा है कि कुछ हैगे ने या कुछ आले दुआले भी देखे ने कि जो पेट्स नाल तो बहुत प्यार करते हैं, बट इंसानों नाल उस लेवल का प्यार नहीं करते। तो डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ, इट शुड बी यूनिवर्सल एंड फॉर ऑल विद द सेम लेवल। मैं पूछ रहा था तुम नहीं देखो असी जानवरां ते तरस इस विच कोई शक नहीं, जानवरां ते हुणे मैनू तरस लफज दे कीमिया दे बारे समझना है, बट असी सिंपथाइजर होवांगे तो सानू टॉप लेवल ते तो सानू जिहड़े इंसानां विच जिहड़ा समाज बना रहे हैं और जो कर रहे हैं इहदे ते सानू टॉप प्रायोरिटी रखनी पएगी ना। पर इहदा मतलब यह नहीं है कि कुत्ता नेड़े आया तो कुत्ते नूं वट्टा ही मारता रहना है ना। पर लोकी जानवरां बारे बहुत ज़्यादा वह हो जाते हैं, पर इंसानां दे नाल क्रूअल बिहेवियर करना शुरू कर देने, इहदे च कोई गड़बड़ है। ये हो रहा है जी, ये हो रहा है बिकॉज अगर स्ट्रीट डॉग बारे कोई इतना ज्यादा कंसर्न हो जाता है और लोग कहते हैं ये तो कट दिया तो उन्होंने पहचान मैंने कि भाई नहीं है जानवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कटदा है तो कटन दो। I've seen this kind of behavior in people today. ठीक है जी, राइट। 2 अक्टूबर और सैटरडे नो सेमिनार। हाँ जी, ते आप सब जी का बहुत बहुत धन्यवाद सारे हर हफ्ते जिमें कनैक्ट होंदे हो, इस वारी भी तुसीं सारे कनैक्ट होए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैगी है 2 अक्टूबर का जो सैमीनार है असीं शामी 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आप जी नाल सांझ पावांगे। उसकी हले टॉपिक का ना फाइनल नहीं होया बट वी जी ने तुहानूं दा थोड़ा जा जिस्ट दस दिता है। सो 2 अक्टूबर शुक्रवार को शामी 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से असी वी जी नूं लाइव पहले उन्होंने विचार फिर उसके बारे क्वेश्चन आंसरस होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड और उस दिन सैटरडे की क्लास असी नहीं करांगे बिकॉज फ्राइडे का प्रोग्राम है। सो वीर जी विल बी क्वाइट टायर्ड। सो सैटरडे की क्लास नहीं होगी, 2 अक्टूबर फ्राइडे को ही यह प्रोग्राम होएगा। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, खुदा हाफिज, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी आज फिर मैं बरजाई जी ने शाराना अंदाज जवाब दिता है, मेरे उन्होंने भी जवाब दिया। पहले अपना डंडा सीधा करना पड़ेगा फिर दूजे को सीधा कर सकना। बहुत बढ़िया, कोई शाराना अंदाज।